हाउ टू यूज एडजस्टमेंट लेयर्स इन फोटोशॉप, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट जिसमें हो सकती हैं, आप अपनी सिलेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हो, पूरे कैनवस पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है और प्रैक्टिकली वो उसको करके देख लेते हैं। सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेयर्स, कर्व्स, एक्सपोजर एंड मैनी मोर। इसको कुछ प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। और एडजस्टमेंट लेयर से फ़ायदा क्या होता है आपको कि आप बहुत फ्लेक्सिबल है आप लोगों के लिए, जब कभी आपने एडिटिंग करनी हो, आप विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी डिस्ट्रक्टिव अप्रोच, इसे बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिवली आप इसको लेयर मास्क एंड ब्लेंडिंग मॉड्स को यूज करते हुए अपनी रिक्वायर्ड जो आपका चाहिए एडिटिंग वो आप परफॉर्म कर पाओगे अपने कैनवस के ऊपर मौजूद इमेज या उसके कुछ हिस्से के ऊपर। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्शन करते हो और उसमें से कुछ पार्ट के ऊपर वो जो आपने अप्लाई की एडजस्टमेंट वो आपको नहीं चाहिए, तो आपके पास ब्लैक ब्रश है टू हाइड एंड व्हाइट ब्रश है टू रिवील। ये वही है जो मास्क का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था। तो मास्क का इस्तेमाल इसमें आपको नजर आएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर्स में मास्क का इस्तेमाल आपको नजर आएगा। ब्लेंडिंग मॉड का इस्तेमाल आपने बहुत ज्यादा करना है, ब्लेंडिंग मॉड्स एंड मास्क, ये दो चीजें एडजस्टमेंट में आपके इक्वली एप्लीकेबल हैं अगर आप करना चाहो तो। एडजस्टमेंट ये डिफरेंट किस्म की होती है, आप अपने ऐड करना चाह रहे हो इमेज के अंदर ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को कर सकते हैं, आप एक्सपोजर देना चाह रहे हो, कलर को करेक्ट करना चाह रहे हो, स्टाइलिस्टिक्स कलर ग्रेडिंग करना चाह रहे हो, लेवल्स में जाके कर सकते हो। कर्व्स है, इसमें आप अपने शेडोज के ऊपर और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इमेज के ऊपर इसकी वैल्यूज को हाई लो कर सकते हो, एक्सपोजर दे सकते हो इमेज के ऊपर। वाइब्रेंस आपके पास इफेक्टिंग स्किन टोन्स के लिए आमतौर पर इसे यूज करते हैं। ह्यू सैचुरेशन यूज करते हैं किसी कलर को अगर आपने टारगेट करना हो, चेंज करना हो। कलर बैलेंस आप यूज करते हो जब कभी आपको अपने कलर को शिफ्ट करना हो, करेक्ट करना हो। ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हो अपने इमेज को, कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे, बड़ा जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है। और ये मजे की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट परमानेंट नहीं है। और अगर आपके हाफ फ्रेम को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, हाफ को नहीं करना एडजस्टमेंट, फोटो फिल्टर लगा सकते हो, वार्मिंग एंड कूलिंग फिल्टर आपके लग जाते हैं, ये सारे एडजस्टमेंट मौजूद हैं। इसके अलावा भी हैं कुछ एडजस्टमेंट, चैनल मिक्सर की, कलर लुकअप की, इनवर्ट की, पॉस्चराइज की, ग्रेडियंट मैप की एंड सिलेक्टिव कलर की, इनको देखते हैं जी जनाब। एडजस्टमेंट आज स्टडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं जनाब एडजस्टमेंट कैसे और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने कैनवस के ऊपर एडजस्टमेंट को नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच को यूज करते हुए आप अपने इमेज को अपनी जरूरत के मुताबिक या क्लाइंट की नीड के मुताबिक आप उसको एडजस्ट करोगे। कलर्स एडजस्टमेंट हो सकती है, ब्राइटनेस हो सकती है, फिर आप ह्यू सैचुरेशन एंड मैनी मोर थिंग आप परफॉर्म कर सकते हो। इस एग्जांपल को तो मैं समझा देता हूँ कि कैसे और किस तरह। अच्छा, इसकी एग्जांपल के लिए कुछ इमेजेस को पिक करते हैं, वन बाय वन मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। लास्ट मैंने आपको जाने से पहले कुछ एडजस्टमेंट करवाई भी थी, मैंने जैसे किसी पर्सन की शर्ट का कलर चेंज कर दिया था, ठीक है, कलर आप चेंज कर सकते हैं, मॉडल कोई कलर, कोई आपकी कोई कार का कलर चेंज करना है, मॉडल की शर्ट का कलर चेंज करना है, उसके ऊपर कोई पैटर्न की प्लेसमेंट करनी है, ग्रेडियंट्स लगाने हैं, सॉलिड कलर लगाने हैं, सब कुछ पॉसिबल होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ ऑन मॉडल्स शर्ट कलर। जैसे ये एक मॉडल है, इसके एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, एडजस्टमेंट जो आपने लगानी है, क्या पूरे पिक्चर पे लगानी है या किस इसके कुछ पार्ट पे लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं शर्ट पे एडजस्टमेंट लगानी है तो शर्ट को पहले सिलेक्ट कर लो। अच्छा, सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन है, ये सारी ऑप्शन तो थी, प्लस मैंने पेन टूल के साथ भी सिलेक्शन करनी सिखाई थी, प्लस एक और आज ऑप्शन सीख लो सिलेक्शन के लिए। पहले तो रास्टराइज कर लेते हैं। अब ये देखो, सिलेक्शन करने के लिए एक तो ये कि आप ये यूज कर सकते हो क्विक सिलेक्शन, इफ यू वांट टू सिलेक्ट द पेंडेंट शर्ट ऑफ दिस मॉडल, सिलेक्ट हो गया। अगर आप इसका लोअर हाफ को डीसिलेक्ट करना चाहो, ऑल्ट के साथ कर लेना, ये लो डीसिलेक्ट लोअर हाफ, सिर्फ शर्ट ही मेरी इस वक्त सिलेक्ट है, ठीक है। यहां पर अगर सिलेक्शन
थोड़ी सी आउट हुई है, सही कर लेती है, शिफ्ट के साथ, ऑल्ट के साथ माइनस, शिफ्ट के साथ प्लस, सिलेक्शन अच्छी कर लेना, सिलेक्शन अच्छी करोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि इस मॉडल की शर्ट को आप कलर देना चाह रहे हो और नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। कैसे? एडजस्टमेंट, यहां पर चले जाओ और एडजस्टमेंट में जाके आप फ्रॉम सॉलिड कलर स्टार्ट करते हैं, पहले एडजस्टमेंट लगाने लगाओ। अगर आपने ये सिलेक्शन नहीं की तो ये सारे इमेज पे लगेगी एडजस्टमेंट। अब क्योंकि सिलेक्शन की हुई है इसलिए सिर्फ इस हिस्से पे लगेगी सिलेक्शन, सिलेक्शन के ऊपर कलर जो भी देना चाहो। ये देखो करंटली इस वक्त ये ब्लैक कलर ऑन है, दो इसके पार्ट्स हैं थंबनेल के, एक हिस्से में जो आपकी सिलेक्शन है उसका मास्क दिख रहा है, रिवेल क्या हो रहा है जो आपका व्हाइट एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर आपके कलर्स जो लगाना चाहो, ये लो जो कलर देना चाहो। इसको ब्लेंडिंग मोड के साथ इस्तेमाल करना है, इस तरह शायद बुरा लगे आपको। अब मैंने ब्लू कलर ले भी लिया है, ओके कर भी देता हूं, ठीक है, ये ब्लू कलर, इसका मतलब है कभी भी आपको, अगर आप समझो कि मुझे इस शर्ट को कहीं से इन आउट करना है कलर को, तो यहां से करना है, ये आपका मास्क है और इधर वाला ये आपका करंट एडजस्टमेंट है कलर की, सॉलिड कलर, ये सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट है, जो भी करना चाहो। अच्छा, ये जब आप कर लो तो इसके ऊपर आप ब्लेंडिंग मोड पर इस्तेमाल किया करो, यही मैंने आपको भी थोड़ी देर बोला, इसमें मास्क भी नजर आएगा, इसमें आपको दूसरा मॉड्स नजर आएंगे ब्लेंडिंग। ये देखो डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, देख रहे हो कलर शर्ट का। आमतौर पे ओवरले हम अप्लाई करते हैं लाइट टोन में कलर, उसका ओवरले, उसके ऊपर ओवरले बिछा देता है उस कलर की। अगर आप ओवरले के साथ कलर को चेंज करते जाओ, अगर आपको ये कलर नहीं समझ आ रहा कोई और कलर ले लो ओवरले के साथ, जो भी कलर देना चाहो, रेड टोन में जाना हो रेड में चले जाओ, ये देख रहे हो, ब्लू में जाना चाहो ब्लू में चले जाओ, लाइट टोन देनी लाइट की तरफ आ जाओ, डार्क देनी डार्क की तरफ चले जाओ, और जो कलर आप देना चाह रहे हो आप शर्ट के ऊपर उसको ऑन करके, और अगर आप इसमें फर्दर ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई करना है, ओपेसिटी डाउन करनी है, आपकी मर्जी है, ब्लेंडिंग मोड सारे मौजूद हैं, ये देखो, जिसमें आपको अपने मतलूबा रिजल्ट मिल रहे हैं वो एडजस्टमेंट और वो ब्लेंडिंग मोड आपको ऑन कर दो, देख रहे हो। फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल तो बहुत बुरा लगता है, तो नॉर्मल के बजाय या तो हम जाते हैं ये इसकी ओवरले पे, ठीक है, ओवरले कर लो, सॉफ्ट टच कर लो, लाइट हार्ड कर लो, हार्ड में उसकी प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, सॉफ्ट में लाइट टच देता है, हार्ड में हार्ड, विविड में उसको विविड काइंड ऑफ कलर, लीनियर लाइट, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनोसिटी, और ये ऊपर डिसॉल्व, डिसॉल्व भी चलता है, डिसॉल्व अच्छा लगता है तब जब आप उसको थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन करो तो, वरना डिसॉल्व भी समझ नहीं आएगी, ये डिसॉल्व है, डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व क्या हो रहा है? आपका जो करंट जो एडजस्टमेंट है सॉलिड कलर की, डिसॉल्व हो रहा है विद बिलो लेयर ऑफ कलर। बिलो क्या है? शर्ट का कलर एक्चुअल क्या था? ब्लैक था, ब्लैक के साथ पिक्सल ब्लेंड हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? डिसॉल्व हो रहे हैं। ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? डिसॉल्व। डिसॉल्व कभी भी आपको प्रेजेंस नहीं शो करता जब तक इसकी ओपेसिटी डाउन ना करो। 100% पे तो पता ही नहीं लगता ना डिसॉल्व कर रहा है। असल में डिसॉल्व क्या कर रहा है? आपके जो करंट सॉलिड पिक्सल्स हैं उसको बिलो जो शर्ट का कलर है उसके साथ डिसॉल्व कर रहा है। अब आप उसे डिसॉल्व करना चाह रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई बड़ी मजे की ऑप्शन है। मैं आपको एक मल्टीप्लाई की छोटी सी एग्जाम्पल भी अभी आपको देता हूँ, मल्टीपल की, मल्टीप्लाई की एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये देखिएगा मल्टीप्लाई क्या करता है और कहां यूज करते हैं मल्टीप्लाई को, ये करके दिखाता हूं। चले इसको मैं फिलहाल, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा एडजस्टमेंट डिलीट कर दिया करो। डिलीट आपने देखो, डिलीट दो अलग अलग चीजें होती हैं,
ये डिलीट होगा जो उसके ऊपर आपका मास्क लगा हुआ है, और ये डिलीट होगा विद मास्क। इसको ना करना, इसको अगर अकेले करोगे तो आपका जो कलर इस पे है ऑप्शन वो आपको नजर आएगी, ये देखो। और ये अप्लाई किसके ऊपर हो गया, क्योंकि मास्क आपने खत्म कर दिया है तो पूरी लेयर पे अप्लाई हो गया। इसलिए जब कभी अंडू कर देता हूं, दोबारा सुनो, आपने चूंकि एक एरिए को उस कैप्चर किया था, सिलेक्ट किया था, फिर उसके ऊपर एडजस्टमेंट लगाई थी और वो मास्क उसने कर दिया था उसको, अगर आपने मास्क को खत्म किया तो पूरी लेयर के ऊपर ये वाला इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। इसलिए जब कभी खत्म करना हो, अगर वक्ती तौर पर आपने इसको हाइड करना है, तो वो मैंने आपको बोला था शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ वक्ती तौर पर मास्क हाइड होता है, डिलीट नहीं होता। शिफ्ट के साथ ऑन, शिफ्ट के साथ ऑफ, शिफ्ट के साथ ऑन, ये मैंने उस दिन भी बताया था जब मैं सिंपल मास्क करवा रहा था, ये वाला बटन। आज मैंने एडजस्टमेंट के साथ करवा रहा हूं आपको, एक सिलेक्शन के ऊपर करवा रहा हूं आपको। सिलेक्शन के ऊपर मैंने एडजस्टमेंट लगाई, एडजस्टमेंट में सॉलिड कलर दिया। मास्क अगर आपने वक्ती तौर पर डिसेबल करना है, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। मास्क को आपने परमानेंट डिलीट करना है तो डिलीट कीजिएगा, लेकिन अगर आपने दोनों को खत्म करना है तो ऑलवेज गो विद दैट एडजस्टमेंट डिलीट। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं, आपने इसकी कलर इस शर्ट के ऊपर आपने एक लोगो प्रिंट करवाना है। लोगो ब्लैक एंड व्हाइट है, जरा गौर कीजिए मैंने क्या कहा, लोगो ब्लैक एंड व्हाइट है। लोगो लेके आते हैं, जरा इसका एक और प्रैक्टिकल करके देखिए, मैं और उसमें मल्टीप्लाई का आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। इमेज लेते हैं, मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए ब्लैक एंड व्हाइट टोन में, जिसमें ब्लैक है या व्हाइट है। अब देखो कितने मजे से आपका काम होने लगा है और कितना इजीली होने लगा है, ये देखिएगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट, या कोई एक व्हील नजर आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, या एक पैटर्न नजर आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, या एक लाइन नजर आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। चलो व्हील ले लेता हूं, पहले व्हील को देखते हैं, चेक कीजिएगा। ये मैं इसके ऊपर शर्ट के ऊपर इसको प्रिंट करवाना है, शर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना है। शिफ्ट के साथ जरा साइज छोटा कर लेते हैं, ये फ्रंट, यहां पे मैंने इसका शर्ट के ऊपर इसको प्रिंट करवाना है। अब अगर मैं इसको ओके करता हूं, ये देखो अब हुआ क्या कि आपके इस करंट जो इमेज है, जेपीजी है, उसमें व्हाइट की प्रेजेंस है ये बॉक्स की सूरत में, और ये सिर्फ इधर ही नहीं है, इधर भी है, देख रहे हो, ये इसके सेंटर में भी है ये। अब आपको क्या फायदा होने वाला है ब्लेंडिंग ऑप्शन का, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको सिखाने लगा हूं, लेकिन इसका इससे पहले थोड़ा सा साइज का और छोटा कर देता हूं, कंट्रोल डी से थोड़ा सा ये इसके एल्बो पे जा रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लो, चेक कीजिएगा। आपने टिक कर दिया, इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड लगाने लगा। डार्कन में क्या करता है, जरा इसकी साइंस को भी समझो। डार्कन में बता, ये किस पे मैं कर रहा हूं डार्कन, जरा गौर कीजिएगा, जो टायर वाला व्हील वाला पार्ट है, करेगा क्या इसको, समझ लो। बाद लोग स्टूडेंट कहते हैं सर ये कलर मोड की समझ नहीं आ रही, कलर मोड को समझाने लगा हूं। नॉर्मल व्यू क्या होता है कि जो आपका इमेज है जिस तरह का है वैसे ही दिखाई देगा नॉर्मल, लेकिन आप अगर डिजोल्व करते हो, डिजोल्व अगर आपने क्लिक कर भी दिया है, इसके पिक्सल आपको डिजोल्व होते हुए नजर इसलिए नहीं आ रहे कि इसकी वैल्यू ओपेसिटी में हाई है। लो करता हूं जरा, ये देखो डिजोल्व हो रहा है इसके साथ, और बिल्कुल ही मैंने जीरो कर दिया। दोबारा से देखो, ये तो डिजोल्व का सीन था, अब मैं डिजोल्व से हटके आपको लेके आ रहा हूं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई याद रखना, जो अबव लेयर के पिक्सल्स हैं वो ब्लैक हैं, पिक्सल जो ब्लैक हैं नीचे वाली जो लेयर के पिक्सल के साथ डार्क कर देगा, और उसको डार्क पिक्सल नीचे वाले पिक्सल के साथ मर्ज होंगे और उसको डार्क कर देंगे। नेम इज मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई क्या करता है, नीचे वाली लेयर के जो डार्क पिक्सल्स हैं, डार्क पिक्सल मतलब शर्ट का कलर क्या था, ब्लैक, तो ब्लैक पिक्सल जो हैं अबव जो आपकी लेयर है उसमें भी जो टायर के पिक्सल हैं डार्क वाले कौन से हैं, ब्लैक, वो भी ब्लैक हैं पिक्सल, और नीचे वाली लेयर के भी ब्लैक है पिक्सल, वो आपस में ब्लेंड हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा। अगर आपको गौर करो दिखेगा, ये देखो जूम करता हूं, माशाल्लाह इधर बाकी नहीं दिख रहा, सॉरी
मैं इधर देख रहा हूँ सर, स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप की आप ब्राइटनेस बढ़ा दें कितनी की पढ़ाई थी। नहीं उससे नहीं होगा, एक सेकंड मैं कुछ और करता हूँ। हाँ वो उससे भी हो जाएगा, मैं इसको देखता हूँ अगर आपका मसला इधर से ऐसे। नहीं भाई जनाब ये इसका तो, बाकी यहां से आप इसको कंट्रोल करके, बताने का मकसद है कि आपने डार्क पिक्सल को, इसका एक और तरीका हो सकता है, नीचे मैं उसको शर्ट जो है वो लाइट वाली डाल देती हूँ, दूसरे बंदे को ले आते हैं लाइट वाला, उसके ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। चले इस तरह कर लेते हैं, ये पर्सन लेता हूँ। ये लो शिफ्ट ऑल के साथ चेक कीजिएगा, इसके वाइट भी है, टाइगर के राउंड वाइट फ्रेम है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया और चेक कीजिएगा डार्क, कौन से पिक्सल सरवाइव करेंगे जो डार्क रह जाएंगे, डार्क नजर आ रहे हैं, व्हाइट वाले निकल गए बीच में से, सिर्फ डार्क पिक्सल की प्रेजेंस नजर आ रही है। अगर आप इसको अपनी स्क्रीन पे लैपटॉप पे देखोगे ना, आपके व्हाइट पिक्सल ऑफ हो जाएंगे, डार्क वाले सिर्फ रह जाएंगे। इसका काम ही है कि करंट लेयर के डार्क पिक्सल को रखो और जो लाइट पिक्सल है खत्म कर दो, चाहे वो येलो ही क्यों ना हो। येलो तो भाग से लाइट पिक्सल कौन से थे, दो पिक्सल है ना, लाइट वाला कौन सा है व्हाइट और डार्क वाला कौन सा है ब्लैक, ब्लैक पिक्सल आपके सर्वाइव करेंगे और वो दूसरे खत्म हो जाएंगे। अच्छा इसको वैसे उल्टा भी कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं वो भी चले करके दिखा देता हूं। अच्छा एक तो ये चीज, जरा उसी बंदे की शर्ट पे दोबारा से चलते हैं और इसको मैं एक और तरह आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। इसका मतलब है मल्टीप्लाई से ये होगा, और ये देखो ये लाइट स्क्रीन ओवरले सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट लीनियर लाइट पेन लाइट, और जैसे जैसे आप इसके ऊपर जा रहे हो ये देखो डिवाइड डिवाइड पे जरा देखो क्या हुआ, डिवाइड के ऊपर क्या हुआ, जो कलर है उनसे रिवर्स कर दिए, ब्लैक को व्हाइट कर दिया और व्हाइट निकल गया बीच में से। ये तो एक बॉक्स था, यहां पे था बॉक्स इधर गया, और अगर मैं वो लाइन को ही ले आता हूं दोबारा इसकी शर्ट पे लगाते हैं, देखो ये हम इसको लेते हैं इजी सी ऑप्शन, हालांकि इजी नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए तो इससे बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं करने, ब्लेंडिंग मोड जिसे बोलते हैं। ये देखिए नहीं जनाब ये चेक कीजिएगा, ब्रांडिंग मोड अप्लाई कर लेगा, डाकन में क्या हुआ, शर्ट का कलर भी डार्क, ऊपर जो लाइन है उसके कलर भी डार्क, ब्लैक था ना वो ब्लेंड हो गया उसके अंदर। ये जैसे जैसे मैं वैल्यूज को, ये देखो लाइटन लाइटन पिक्सल विजिबल है, ये स्क्रीन कलर डॉज लाइटर लाइटर ओवरले ओवरले लग गया जी, ओवरले सॉफ्ट लाइट बिल्कुल लाइट पिक्सल विद ब्लैक पिक्सल नजर आने शुरू हो जाएंगे, हार्ड लाइट दोनों विजिबल है विविड, और ये जी आपका जैसे जैसे आप मूव करते हो ये देखो डिवाइड, ये देखो असल में तो ये था ना इमेज, ये देखो कितने आराम से उसने आपके पिक्सल्स को रिवर्स कर दिया, ब्लैक पिक्सल को व्हाइट कर दिया, व्हाइट पिक्सल को ब्लैक कर दिया, डिवाइड ये कर रहा है, हालांकि लाइन की जो लाइनिंग थी वो ब्लैक कलर की थी और सराउंडिंग में आपके क्या था फ्रेम एक व्हाइट, डिजोल्व हो गया व्हाइट तो वैसे ही खत्म हो गया बीच में से, और जो ब्लैक था उसको रिवर्स कर दिया। इसको दूसरे अल्फाज में ये कह लो जो व्हाइट थे ब्लैक हो गए, जो ब्लैक थे व्हाइट हो गए, व्हाइट इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो ब्लैक हो चुका हुआ है, इसलिए नजर नहीं आ रहा आपको। तो आमतौर पे हम इन ऑप्शन को यूज करते हैं इस मकसद के लिए, ब्लेंड करने के लिए, और जब मैंने आपको ये डिफरेंट ऑप्शन के साथ इसका एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं तो मैंने एडजस्टमेंट लेयर, दोबारा आप टॉपिक पे आ जाओ एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर क्या करता है,
कि आपकी जो करंट फ्रेम के अंदर जो आपने अपने इस मॉडल की शर्ट को आपने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने का आज एक और तरीका आपको बताने लगा जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, वो है ऑप्शन नंबर दिस वन। इस ऑप्शन का नाम है क्विक मास्क। सिलेक्शन अगर करनी हो ना आपने, सिलेक्शन करने का एक तरीका ये भी है अदर देन दोज वैल्यूज, ये भी करने के लिए है, ये भी है, यहां से भी सिलेक्शन हो जाती है, और पेन टूल से भी मैंने आपको बोला था सिलेक्शन आप कर सकते हो, जो वर्किंग पाथ वगैरह बनाया था याद होगा, सिलेक्शन से सेफ सिलेक्शन की थी, परमानेंट वो स्टोर हो जाती है। सिलेक्शन करने का एक और तरीका भी है, वो ये है, इसका नाम है क्विक मास्क। क्विक मास्क की प्रॉपर्टी को अगर एक्सप्लोर करना और डबल क्लिक करके करना, ऐसे वो आपसे क्लियर पूछेगा कि जो आप ब्रश के साथ सिलेक्शन करोगे वो एरिया सिलेक्शन के लिए कर रहे हो या मास्क के लिए करने जा रहे हो। मैं सिलेक्शन के लिए करना जा रहा हूं, क्या मैंने लिखा सिलेक्टेड एरिया करना है या मास्क एरिया करना है, मैं कहता हूं सिलेक्टेड एरिया करना है, और वो कलर कौन सा होगा ब्रश का, रेड कलर, और क्या उसकी वैल्यू 100% रखनी है, नो, लाइट साइड रेड नजर आएगा, लेकिन अगर इसको आप हार्ड करना चाहो लाइट, ये देख रहे हो इधर क्या हो रहा है, ये चेक करना जो कलर उधर दे रहे हो वो कलर यहां पे भी आ रहा है, कुछ और करना है कुछ और कर लो, लेकिन मोस्टली हम रेडी रखते हैं, मैं दिखाता हूं क्यों, ये देखो मोस्टली हम इसको रेड ही रखते हैं, रेड ही रख रहा हूं, लेकिन ओपेसिटी मैं 100% नहीं कर रहा, और अब करने क्या लगाऊं जरा गौर कीजिए, ब्रश को पकड़ता हूं, सॉरी ब्रश को लेना है, ये तो मैंने इसको लिया, मैंने ब्रश को लेना है, साइज रश छोटा कर लेते हैं, ये मैंने पेंट कर दिया, किसको पेंट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, शर्ट को, कोशिश मेरी है शर्ट, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी से पेंट कर रहा हूं, और कोशिश मेरी क्या है कि मैं शर्ट को सिर्फ सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। देखो सिलेक्शन, आप वो सर इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं, मैं मुश्किल काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ऑप्शन सिखा रहा हूं आपको कि सिलेक्शन आप अगर करना चाह रहे हो तो ये ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा क्यू प्रेस करो, क्यू सिलेक्शन हो गई, बाद में सिलेक्शन करनी पड़ती है, इस तरह भी कर सकते हो, दोबारा से देखो मैंने क्या कहा, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एवरीथिंग। सिलेक्शन करने के आपको मैंने कोई 5-6 तरीके बताए थे, ये उनमें से एक है, और ये कोई इतना हम खास यूज नहीं करते इसलिए मैंने आज तक बताया भी नहीं था। और सिलेक्शन करने के लिए आपने करना क्या है, आपने उस कैनवस को क्लिक करना है जिसके ऊपर आपने सिलेक्शन मेक करनी है, सेकंड आपने ये बटन है छोटा सा बना हुआ, इसका नाम है क्विक मास्क, क्या लिखा हुआ, जैसे आप इस पर माउस लेके जाओगे लिखा होगा एडिट इन क्विक मास्क मॉड क्यू, शॉर्टकट की क्या है क्यू, क्यू भी प्रेस कर सकते, क्यू प्रेस कर दो, जैसे आप क्यू प्रेस करोगे आपको फौरन से पहले इसका कलर रेड नजर आना शुरू हो जाएगा, क्यू से ऑन ऑफ होता है, ये देखो ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, क्यू क्यू पहले कर लेना है या इस बटन पे क्लिक कर लेना है। नंबर टू, ब्रश को पकड़ना है, किस टूल को, ब्रश टूल को, और पेंट करना शुरू कर देना, पेंट वो चीज करनी है जो सिलेक्ट करनी है, ठीक है जी, पेंट हो गई, और अगर ये निकालना तो क्या करूं, रेजर, रेजर से हो रहा है, रेजर से हो रहा है, अरेज हो रहा है, ठीक है ले लीजिए, तो आपने जितना हिस्सा आपने पेंट कर दिया ना स्टूडेंट्स,
जितना हिस्सा पेंट कर दिया ये सिलेक्ट होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से क्यू प्रेस कर दो या इस बटन को डीएक्टिवेट कर दो, यहां से ये सिलेक्शन होगी। और अगर कोई कमी पेशी रह भी गई है, इसको आप इनमें से किसी टूल से सही कर लो, कोई ममानत नहीं है, इनमें से किसी टूल से सही कर लो। ये टूल तो आपको पता ही है ना क्या करेंगे, इनमें से किसी टूल से ठीक कर सकते हो, वो टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे और पकड़ना और ये लो निकाल दो इतना हिस्सा, ये लो। अच्छा आज एक और काम सीख लो, जब आप सिलेक्शन करते हो, ये देखो ये सिलेक्शन, ये गड़बड़ हुई भी है इधर एक्स्ट्रा, यहां पे कुछ मिस हो गया, यहां पे कुछ ज्यादा सिलेक्शन हो चुकी। इसको अगर आप स्टूडेंट मजीद अच्छा करना चाह रहे हो, क्या बोला, मजीद अच्छा करना चाह रहे हो सिलेक्शन को, ये देखो शर्ट, ये सिलेक्शन सही नहीं है इधर, इसको मजीद अच्छा कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। किस तरह, सेलेक्ट एंड मास्क, ये कभी इस्तेमाल किया ऑप्शन आपने, सेलेक्ट एंड मास्क, ये क्लिक कर दो, ये लो आपका एक और बॉक्स ओपन हो गया। मजे की बात है, एक और बॉक्स ओपन हो गया, और इस बॉक्स में देखो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से आप बहुत अच्छे तरीके से व्यू कर सकते हो, ये जूम इन, इसका अपना जूम टूल भी है, ऑल्ट के साथ छोटा और विदाउट ऑल्ट बड़ा। यहां से भी आपको पता चल रहा है कि कौन सी सिलेक्शन एक्स्ट्रा तो नहीं आ गई, कोई गलत तो नहीं होगी, कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई, समझ रहे हो। स्पेस बार और जो जूम है ना इसमें उसी तरह चलेगा जैसा कैनवस में चलता है। और ये इस वक्त आप किस मोड में हो, अब आप इस वक्त सिलेक्ट एंड मास मोड में उसकी प्रॉपर्टीज में हो, और मजे की बात है इन प्रॉपर्टीज को अब यहां आप जाके ओवरले भी इसका ऑन कर सकते हो। अब ओवरले से, ओवरले सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका मकसद एक ही है स्टूडेंट्स, अच्छी सिलेक्शन करना, रिफाइन करना। ये देखो अब आपको आइडिया हो रहा है कि सिलेक्शन आपकी कहां सही हुई है, कहां से नहीं हुई है, आप इसको मजीद अच्छा कर सकते हो। और अगर आपका सराउंडिंग वाला एरिया आपको नहीं भी दिख रहा, ये मैंने इसकी ऑनियन कौन सी ओवरले, ओवरले को ऑन किया, ऑन ब्लैक भी कर सकते हो, ऑन व्हाइट भी कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। कभी कभी ना कोई चीज मिस हो जाती है, जैसे ये देख रहे हो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, आप समझ तो यार सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही मुझसे, मुझे अच्छी सिलेक्शन करनी है। अच्छी सिलेक्शन करने के लिए आप फिर इसको ओवरले में ऑन कर लिया करो। ओवरले ऑन करने के बाद दूसरा काम पता क्या करना है, इसकी थोड़ी सी वैल्यू को डाउन कर दो ताकि नजर आए कि कौन सी चीज रह गई है और कौन सी चीज इंक्लूड करनी है और कौन सी निकालनी है। अब यहां से अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, शोल्डर के पास ये देख रहे हैं, ये सिलेक्शन नहीं हुई हुई आपसे सही, ऐसा ही है, ये सिलेक्शन आपसे नहीं हुई, रेड नजर आ रहा है ना, ये आउट है, सिलेक्शन से आउट है। अब आप इस सिलेक्शन में इन कैसे करोगे, यहां से ये टूल का नाम क्या है, ये लो पेंट कर दो इधर, क्या अच्छी हो रही है ना सिलेक्शन और बेहतर। ये जबरदस्त हो रही है सिलेक्शन की नहीं, ये आउट करना है, आउट करना है, ऑल्ट प्रेस कर दो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब आपकी सिलेक्शन अच्छी ना बन रही हो और आप अच्छा करना चाह रहे हो, भाई आप हो डिजाइनर, आप रिस्क नहीं लोगे, आप कहोगे अच्छे से अच्छा होना चाहिए काम। ये देखो ये वाला हिस्सा सिलेक्शन में लेके आना है, माउस का छोटा करो इसका पॉइंटर, और क्या गड़बड़ है बताओ, स्पेस बार इधर आ जाओ जरा, ठीक हो रहा है मामला कि नहीं, ये सिलेक्शन में इंक्लूड करनी है, रेड आपका सिलेक्शन से आउट है याद रखना। और रेड को और अच्छा अगर आप देखना चाह रहे हो तो इसको ट्रांसपेरेंसी वैल्यू और हाई कर दो ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली कि मुझे कौन सी चीज मिस हुई हुई है, उसे उसे इंक्लूड कर लो यहां से। ये देखो हाँ जी, कुछ समझ आ रही है, हो क्या रहा है,
सिलेक्टेड मास्क इंप्रूव कर रहे हो, सिलेक्शन को बेहतर कर रहे हो, सिलेक्शन को जहां पे आप समझते होना चाहिए, तो ये आप इसको कर लेना, ठीक है। और ये टूल सारे आपको यही हेल्प कर रहे हैं और आपकी सिलेक्शन को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और जहां पे आप समझते हो कोई मिसिंग है उसको देख लो, या जैसे ये मुझे मिसिंग नजर आ रही है स्पेस बार से, ये लो, और ये सॉल्व। और इसको रिफाइन कर दिया करो। रिफाइन हेयर का मतलब होता है बाल का ना, आपने मॉडल के फेस को सिलेक्ट करना होता है, उसमें बाल भी होते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, आप बालों को भी सिलेक्ट करना चाह रहे हो, इसका मतलब होता है उसको मजीद अच्छा सिलेक्ट करना। बाल होता है हेयर बराबर, हेयर लाइन पतला सा, अब वो सिलेक्शन उसके पतले से बाल की कैसे करोगे, तो इसके लिए रिफाइन हेयर को यूज कर दिया करते हैं, रिफाइन हेयर। तो ये भी आपको सिलेक्शन में काफी हेल्प करता है, खासतौर पर बाउंड्रीज को और जो आपकी होती है ना एजेस उसके ऊपर, ठीक है। और ये देखो अगेन यू हैव टू आउट द सिलेक्शन ऑल्ट, और देखो वो खुद ही वर्किंग कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। क्या आपको सिलेक्ट इन मास्क की थोड़ी सी समझ आई है? अब ये आउट कर रहे हैं ऑल्ट, ये देखो किस तरह वो काम करता है और उसको ठीक कर देता है आपके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे तरीके से, ये देखो अभी आउट करना है आपने हिस्सा, दैट्स इट, आउट करना ऑल्ट के साथ करना, स्पेस बार इन करना है, ये तो सॉरी वो बेंड है, इसको भी ले लिया हमने, निकालना है निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है, इस हिस्से को निकालना चाह रहे ऑल्ट के साथ निकाल दो, ऑल्ट प्रेस करो और इस हिस्से को आप पेंट कर दो, शर्ट तो इतनी है ना। जब ये हो गया ना स्टूडेंट्स, अगला काम पता क्या करना है आपने, इसको बताना है कि ये सिलेक्शन आपकी जो हुई हुई है इसको फाइनल कर दो। ये देखो इधर भी मसला है, कर लेते हैं इसको ठीक। छोटी छोटी जब आपने इस तरह के छोटे छोटे काम में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, तो एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर वो वही कहलाएगा जो जिसके काम में परफेक्शन हो, ठीक है। परफेक्शन होगी तो आपकी अच्छी वैल्यू आप ले सकते हो। तो आपको आज मैंने ऑप्शन एक और सिखाई है जिसका नाम है क्विक मास्क, और प्लस अगर उससे भी आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही, मजीद उसको अच्छा करना है, तो आपने जाना है किसमें, सिलेक्ट इन मास्क। अच्छा जब ये हो जाए ना स्टूडेंट्स, आप इसी इसी बॉक्स के नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ऐसे सिलेक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं, सिलेक्शन को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। इन्वर्ट समझते हो, जो इस वक्त सिलेक्शन है वो आउट कर दो और जो नहीं है वो इसको इन कर दो सिलेक्शन में, ये लो देख रहे हो, शर्ट वाला हिस्सा आउट हो गया, बाकी सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा जैसे ओके करोगे। अभी आपका क्या मेन मकसद था, शर्ट को फोकस करना, तो इसको इन्वर्ट वापस कर देता हूं। और अगर आपको सिलेक्शन खत्म करना है, जस्ट क्लियर सिलेक्शन, ये भी कर सकते हो, और आउटपुट सेटिंग में जाओ, और आउटपुट सेटिंग में जाके यहां पे आउटपुट टू क्या आउटपुट करना है, सिलेक्शन को मास्क बनाना है, नई लेयर पे लेके जाना है। ये नई लेयर का मतलब क्या है, ये शर्ट को उठाएगा और नई लेयर के ऊपर ले आएगा, जिसको बाद में मैंने कल क्या करवाया था लास्ट टाइम, वो पूरे एक पैटर्न को उसके अंदर फिट करवाया था, नई लेयर पे ले जाके ये शर्ट को उठाएगा और नई लेयर पे डाल देगा, समझ रहे बात को। और अगर आप इसको नए डॉक्यूमेंट में लेके जाना चाहो, नए डॉक्यूमेंट में भी रख सकते हो, पीएसडी फाइल नहीं बन जाएगी, शर्ट सिर्फ जाएगी उसमें जो करंटली सिलेक्टेड है। ऑप्शन है और आपकी मर्जी है इनमें से किस ऑप्शन, सिलेक्शन पिक करनी है, मास्क पिक करना है, लेयर पिक करनी है, लेयर विद मास्क करना है, नए डॉक्यूमेंट में रखना है, नए डॉक्यूमेंट में लेयर मास्क के साथ रखना है, सारी ऑप्शन दे रहा है, सिलेक्शन उठानी है, लेयर मास्क करना है, न्यू लेयर में रखना है, न्यू लेयर और न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर। इनमें से जिस पे क्लिक करोगे आउटपुट वैसा आप जनरेट हो जाएगा इसका। क्या करें अभी फिलहाल, सिलेक्शन उठानी है,
फर्स्ट ऑप्शन ओके, ये लो आपकी सिलेक्शन हो गई है। ये देखो शर्ट की सिलेक्शन आपकी इन हो गई है, और सिलेक्शन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका इसके ऊपर कौन सी एडजस्टमेंट लगानी है आप बताओ। आपने जस्ट यहां पे जाना है, ठीक है, यहां पे जाना है, ये एडजस्टमेंट्स हैं, बड़े मजे की हैं। अभी मैं आपको एडजस्टमेंट से क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, कितने जबरदस्त हो सकते हैं, वो आपको बताने लगा हूं। लेकिन पहला काम आपने क्या करना है जनाब, कि सिलेक्शन किधर गई, अच्छा सिलेक्शन आपने की भी है, ये शायद मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं, आउट कर देते हैं इसको, ये लो। अच्छा ये शर्ट की सिलेक्शन हुई भी है, इस पर एडजस्टमेंट लगाते हैं। एडजस्टमेंट सॉलिड कलर की लग सकती है, ग्रेडियंट लग सकता है, पैटर्न लग सकता है, ये तीन वो एडजस्टमेंट मैंने आपको उस दिन भी करवाई थी, ये वही है, कोई नई चीज नहीं है। फायदा इसका आज आपने पता क्या करना है, एडजस्टमेंट भी लगानी है ये वाली, और उस पर फिर ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई करके देखना, एडजस्टमेंट विद ब्लेंडिंग मोड्स। मिसाल के तौर एक लगा के देख लेते हैं, इनमें से कोई भी पैटर्न लगा लो, पैटर्न में जैसे ये पैटर्न है आपका शर्ट के ऊपर, वो पैटर्न आ गया, ठीक है, जो भी इसमें से लगाना चाहो आप पैटर्न लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है विद ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड के साथ देखिए कैसे रंग बिरंगी चीजें आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगी। यहाँ से जस्ट आपने जाना है डिजॉल्व मल्टीप्लाई कलर बर्न बर्न लाइटन स्क्रीन ओवरले सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट, जो भी आप इसमें से ब्लेंडिंग मोड लोगे वो आपका रिस्पॉन्ड करेगा उस शर्ट के साथ, ब्लेंड करके वो आपको दिखा देगा उसकी बेस कलर के साथ, बेस कलर इज ब्लैक, और ये डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड है जिसके साथ आप जाना चाहो आप जा सकते हो, जहां पे आप की तसल्ली है कि ये मुझे सही इसके ऊपर ब्लेंड करने के बाद ये इफेक्ट चाहिए वो आप ले लो, ठीक है। नॉर्मल में नॉर्मल दिखाता है, बाकी सारे मॉड्स ब्लेंडिंग मॉड्स हैं विद योर बेस कलर, बेस कलर कलर के साथ कैसे मिक्स एंड मैच करके उसने उसको प्रोड्यूस करना है, ये असल में काम होता है ब्लेंडिंग मॉड्स का। और ये आपने अभी जो किया है, अगली आपको एक लैब करवाने लगा, लैब ये है कि आपने अपने इमेज के अंदर से कुछ हिस्से को ब्लैक एंड व्हाइट शो करना है, वो आपकी डिमांड है, आपके कस्टमर की डिमांड है, आपके क्लाइंट की डिमांड है कि यार इमेज के अपर हाफ को कलरफुल दिखाओ, लोअर हाफ को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाओ, कैसे करोगे? वैसे सुनने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये कैसे होगा भाई, कि एक हाफ को कलरफुल दिखा दो एक हाफ को ब्लैक एंड व्हाइट दिखा दो। अगली लैब में जो आपको करवाने लगा हूं उसमें एक लेडी मॉडल है, उसकी स्किन ब्लैक एंड व्हाइट है, उसको मैंने कलरफुल बनाना है, उसके फेस फीचर्स में कलर्स मैंने डालने हैं, वो देखते हैं, क्योंकि सारा कुछ पॉसिबल होता है। हमारे पास एक इमेज है, मिसाल के तौर पे कोई सा इमेज ले लेते हैं लाइक दिस ना, ये इमेज ले लेते हैं, काफी कलर्स हैं जी, एक मॉडल, अगर आपको कहा जाए इस मॉडल के जो हाफ फेस को या हाफ जो इसका पार्ट है इस इमेज का उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, वेरी इजी। अगर आपने टोटली इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज करनी है, वो भी कर सकते हो, और एडजस्टमेंट से भी कर सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट, एडजस्टमेंट से ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे होता है, यहां से ऐसे, ये देखो एडजस्टमेंट में जाओ और यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, वो देखो आपके उस फ्रेम में से कलर्स ही खत्म हो गए। और मजे की बात है, अगर आपको कहूं कि इसके हाफ फ्रेम को कलर कर दो, हाफ को नहीं करना, या फेस को कलर कर दो, ड्रेस को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, फेस को वापस कर दो कलर, ये लो यहां पे जाओ एडजस्टमेंट लेयर पे, और यहां पे जाके आप ब्रश को पकड़ो और ब्रश को यूज करो, और रिवेल करने आपने इसको, तो इसका ब्रश का कलर थोड़ा साइज भी बड़ा कर लेता हूं। अच्छा मुझे बताओ इसके फेस के जो कलर्स मैंने वापस लेके आने हैं, ब्लैक ब्रश चलेगा या व्हाइट चलेगा? और इस वक्त ब्लेंडिंग मोड इज ब्लैक एंड व्हाइट। देखो भाई सीधी सी बात है, मास्क व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट ने वो ब्लैक एंड व्हाइट शेड दिख रहा है, इसके ऊपर ब्लैक ब्रश चलेगा कि व्हाइट चलेगा ये मैं पूछ रहा हूं। व्हाइट के ऊपर हमेशा ब्लैक ब्रश चलता है, मास्क व्हाइट ने असल काम तो ये किया ना, व्हाइट मास्क ने ब्लैक एंड व्हाइट
लगा दी एडजस्टमेंट, उस एडजस्टमेंट में से आपने सिर्फ फेस के ऊपर से वो एडजस्टमेंट खत्म करनी है ब्लैक एंड व्हाइट की, हो गई। ये देख रहे हो पूरा ड्रेस आपका कलरफुल है, सॉरी ड्रेस आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, फेस को आपने कलर में लेके आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट। और ये कभी आप इसको अगर रिवर्स भी करना चाहो, यू कैन डू इट, ब्रश को चेंज करो, वापस कर दो, ये लो, कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअल इमेज उसी तरह पड़ा हुआ है, आपने जस्ट एडजस्टमेंट लगाई ब्लैक एंड व्हाइट की। एक और एग्जांपल देखो एडजस्टमेंट की, ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट की एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मॉडल है, ये वो मॉडल बहुत प्रोमिनेंट है, ये रैंप के ऊपर वॉक कर रही है विद ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल ड्रेस को हमने प्रोमिनेंट करना है और उसको और उसके सराउंडिंग को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, यू कैन डू इट। ये लो एक और एग्जांपल, ये ले जनाब, ठीक है जी, सराउंडिंग एनवायरनमेंट ब्लैक एंड व्हाइट और इस ड्रेस को सिर्फ प्रोमिनेंट करना है, बस मेरी इस फोटो का मकसद क्या है, एडिटिंग करने का, कि ड्रेस मॉडल का वो प्रोमिनेंट हो जाए और एवरीथिंग जो है वो बिहाइंड द सीन चली जाए, उसको नहीं शो करना आपने, ठीक है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट शेडो दे के, शेड दे के, और इस मॉडल के सिर्फ ड्रेस को फोकस करना है। अब आप इसको इसके लिए क्या करोगे मुझे बताओ, आप यही कर सकते हो कि इसकी एक डुप्लीकेट बनाओगे, ऐसे डुप्लीकेट बन गई है, अब आपने अगला काम क्या करना है, अगला काम ये हो सकता है कि आप बिलो लेयर को, बिलो लेयर को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, बिलो लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, टोटली कलर जी मैं खत्म करने लगा हूं। अगर आपने टोटली इसको ऑफ करना हो, यहां से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर जाइएगा और यहां पर आपके पास ऑप्शन होती है ब्लैक एंड व्हाइट, चेक कीजिएगा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ये यहां से भी कर सकते हो, वो जो काम आप पैनल के थ्रू कर रहे हो यहां से भी कर सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट। ओके नहीं जी, ये एडजस्टमेंट है, दिखाऊं हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अबव लेयर आपकी स्टिल एक्टिव है, बिलो नहीं दिखेगी, ये लो अबव को मैंने ऑफ किया, बिलो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी। अच्छा ये एडजस्टमेंट आप चाहे इस मेन्यू के थ्रू लगा लो, चाहे आप इस आइकन के थ्रू लगा लो, एक ही बात है, मेन्यू के थ्रू करना हो वो भी मैंने दिखा दिया और ये आइकन के थ्रू करना हो ये भी दिखा दिया, ये एडजस्टमेंट और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। मैं अब दोबारा से एक और काम करके दिखाता हूं, एक और ऑप्शन है, डिलीट करता हूं, अब मैं जो आपको अप्लाई करके दिखाने लगाऊं ये डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर वाला तो मैंने ऑफ किया हुआ, इसको दो मिनट के लिए भूल जाओ कुछ नहीं है, इस मॉडल के इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है और यहां जाता हूं और इमेज में जाता हूं, इस बार मैं इमेज में जाता हूं, इमेज में भी एडजस्टमेंट होती है, एक लेयर में एडजस्टमेंट होती है, एक इमेज में एडजस्टमेंट होती है, दोनों में फर्क है। इस एडजस्टमेंट से आपका टोटली लॉस हो जाएगा एवरीथिंग, ये देखो चेक करो क्या होने जा रहा है स्टूडेंट्स, क्या होने जा रहा है, आपके करंट लेयर जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, अगर आप गौर करो इसके ऊपर जिस लेडी ने रेड ड्रेस पहने हुए प्रोमिनेंट कर दूं या वो ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आएगा होते हुए, ये देखो रेड मोर ब्राइट हो गए, रेड शेड जहां जहां जिस जिस लेडीज और जेंट ने रेड कलर का कोई भी ड्रेस है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, ये येलो को प्रोमिनेंट करने के लिए, रेड को मैं वापस कर देता हूं, ये लो, ये जहां जहां जिस जिस लेडी ने येलो ड्रेस पहना हुआ है या शेड है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, यहां पे जिस जिस लेडी ने ग्रीन
कलर का कुछ भी पहना हुआ है वो प्रोमिनेंट हो रहा है मॉडल ने, लेडी और जेंट, और सियान जैसे इसने पहना हुआ है वो मॉडल, वो देखो बैक एंड के ऊपर वो लेडी का ड्रेस देखो वो चेंज हो रहा है, उसने सियान कलर का ही ड्रेस पहना हुआ है इसलिए कलर चेंज हो रहा है, लेडी के बैक साइड पे देखो ड्रेस चेंज हो रहा है उसका, लेडी का क्यों हो रहा है, उसका कलर क्या है, सियान। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, ये एडजस्टमेंट नहीं है। ओके करता हूं, क्या यहां पे कोई एडजस्टमेंट आई जो नॉर्मली आ रही थी, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये परमानेंट है, जो कर दिया सो कर दिया। अगर आपको कोई थोड़ा सा इधर उधर कर दूं कुछ एडजस्टमेंट, आपको पता ब्रश के साथ आप वापस भी कर सकते हो, रिकवर भी कर सकते हो पिक्सल वैल्यू, यहां नहीं होगी। इसका मतलब है आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, एक डिस्ट्रक्टिव भी ऑप्शन है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव भी है। नॉन डिस्ट्रक्टिव इज ऑलवेज गो विद लेयर एडजस्टमेंट, इमेज एडजस्टमेंट नहीं करना, लेयर एडजस्टमेंट। लेयर एडजस्टमेंट की तरह स्टूडेंट्स बिल्कुल बराबर में है, ये इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन इसमें इससे क्या होगा, ये अच्छा। अब मैं जरा ऊपर वाला जो है ना मॉडल, उसमें मैं कर रहा हूं लेयर एडजस्टमेंट, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत जो ड्रेस इधर उधर हो जाए सिलेक्शन, मैं ठीक कर रहा हूँ उसको। अब नीचे वाली लेडी के ऊपर इसको तो मैंने टोटली ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम कर दिया, और जहां जहां जो जो ड्रेसेस के कलर प्रोमिनेंट कर रहे थे वो भी कर दिए। अब मैं ऊपर वाली लेयर पे आता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। ऑन करके अगला काम मैं पता क्या करने लगा हूं, ये लेडी के जो ड्रेस है फ्रॉम शोल्डर टू फुट, इसको सिलेक्ट करने लगा हूं। सेलेक्ट करने का कोई तरीका क्या क्या है आपके पास, काफी सारे हैं, काफी सारे हैं ना, जिस मर्जी से आप सेलेक्ट कर लो। अभी मैंने आपको क्विक सिलेक्शन सिखाया, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी से सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये ले मॉडल को मैंने सेलेक्ट करने लगा हूं। ये मैं किस लेयर पे हूं, अबव लेयर पे, रफली और के साथ इसको निकाल देता हूं, इतने से साइड वाला, इधर से भी शोल्डर से निकाल देता हूं, फेस वाले पार्ट को भी निकाल देता हूं। ऑलमोस्ट ठीक हो गया, सिर्फ ड्रेस को मैंने सिलेक्ट करना था। इसको और अच्छा कर सकते हो, टाइम अगर आपके पास हो जरूर कीजिएगा इसको। सिर्फ ड्रेस को मैंने सिलेक्शन में रखना है, बाकी चीज मैंने सारी आउट कर दी शिफ्ट के साथ, ठीक है, ये शिफ्ट के साथ ऑलमोस्ट सिलेक्शन इज ओके। मजीद इसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे और के साथ शिफ्ट के साथ, इसको बाल में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर अभी आप नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं, बाल में भी कर सकते हैं। लो जी जहां और के साथ चलो जी, काफी है। अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूं, एडजस्टमेंट लेयर लगा दें ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे ही आप इसको करते हो मुझे ये बताओ कि ब्लैक मास्क और व्हाइट मास्क, ब्लैक मास्क और व्हाइट मास्क, ये चले छोड़े इसको मैं डायरेक्ट लगाता हूं ब्लैक एंड व्हाइट। ये आप इसको यहां से भी इन्वर्ट कर सकते हैं, ये पैनल है साथ में प्रॉपर्टीज का, हो रहा है ना, आप एडजस्ट कर लो उसको,
ड्रेस को करना है या लेडी को करना है या सराउंडिंग को करना है, किसको कलर दिखाना है, किसको पे ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लगानी है। और मजे की बात है, आप अगर कहा जाए यार इसकी स्किन को भी आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, क्या करोगे आप? कौन सा ब्रश लगाऊं, व्हाइट के ब्लैक? व्हाइट होगा क्योंकि मैंने उसको इन्वर्ट जो किया हुआ है। तो ब्रश को पकड़ो, ब्रश को लेके साइज कर लो थोड़ा छोटा, ये लो, और यहां से आप व्हाइट ब्रश के साथ इसको कर दो। और अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाए तो टेंशन नहीं है, ब्लैक ब्रश करो, ये लो, ये ऑर्नामेंट पहने में इसको कलर रखना है, कलर रख दो, ये बिंदिया का कलर आपने वापस लेके आना है, व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। ये फेस को आप फोरहेड को करना चाह रहे हो, ये लो, बस आपने काम करना सीखना है बस। समझ रहे हो? इसका साइज ही उतना कर लो जितने आए, ये लो, ये जनाब इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी स्किन को करना चाह रहे थे तो इसको स्किन को हम अभी भी कर सकते हैं। अगर आपको कहो कि मुझे सिर्फ ड्रेस ही कलर में नजर आया, स्किन ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए थी, तो स्किन को ब्लैक एंड व्हाइट बाद में भी कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कोई एडजस्टमेंट, ठीक है। और आपने जस्ट क्लिक करना है और साइज सेट करना है और इसको कर लेना है। या तो आप सिलेक्शन करते वक्त उस वक्त कर लेते हैं, बाद में करना हो बाद में भी कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है, जस्ट गो विद द ब्रश, ये लो जनाब, गो विद द ब्रश, ये लो, आपने इसको फेस को भी ब्लैक एंड व्हाइट शो करना है, सिर्फ ड्रेस को फोकस करना है, सिर्फ ड्रेस को फोकस करना है, समझ रही बात? ये लो। और अगर वापस करना है वापस कर दो, जस्ट आपने ब्रश को उसका मॉड चेंज करना है फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, रिवेल करवाना है या उसको हाइड करवाना है, शो करवाना है और हाइड करवाना है, एडजस्टमेंट लेयर, कितना आराम से आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। एडजस्टमेंट लेयर एक पावरफुल टूल है जिसको आप यूज करते हुए अपनी जरूरत के जो आपको रिजल्ट्स हैं वो अगर आप चाहिए आप लेके आ सकते हो। अब मैं एक और लैब करवाता हूं, एक कोई पुराना फोटो आपके पास पड़ा है, ठीक है, वो कलर नहीं है उसमें, आप उसमें कलर रखना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे ये लेडी, अगर आपको कहा जाए इसकी स्किन जो कि कोई पुराना फोटो है इसको आप कलरफुल बना दो, अब इसको कलरफुल कैसे बनाएंगे? इसके फेस को सिलेक्ट किया जाए, फेस को सिलेक्ट कर लो, बेशुमार टूल्स हैं, कोई सा टूल यूज कर लो, ये लो जी, ये फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसकी स्किन स्किन सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और आउट करना है ऑल्ट के साथ कर लो, ये लो, और सिलेक्शन को मजीद अच्छा करना है आपके पास मौजूद है सिलेक्टेड मास्क भी है, वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस्तेमाल करके दिखाया, मैंने आपको क्विक मास्क भी सिखाया जिससे आप मुनासिब समझते हो। देखो क्विक मास्क से ब्रश ब्रश लगा के भी तो उसको ठीक कर सकते हो, क्या ख्याल है? अभी तो सीखा है आपने, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, और जब ये आपने कर लिया है एवरीथिंग इज ओके, अब आप इस फेस को जो मैंने स्किन इसकी कैप्चर करी है इस पर एडजस्टमेंट लेयर लगा लेते हैं। अनदर ऑप्शन एडजस्टमेंट लेयर की नेम इज ह्यू एंड सैचुरेशन, क्या नाम है? ह्यू एंड सैचुरेशन, ये भी कर सकते हो, सॉलिड कलर भी लगा सकते हो, ये देखो सॉलिड कलर, कौन सा कलर? स्किन टोन, जो भी कलर मुनासिब सा स्किन का जो होता है स्किन टोन कर दो, और करने के बाद इसके ऊपर ओवरले लगा दो ब्लैक एंड व्हाइट से, ये करना ये कर दो, ठीक है, ये भी ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से जो शेड मुनासिब सा आपको स्किन के हिसाब से, ये हार्ड लाइट अगर आपको ठीक लग रहा है या ओवरले ठीक लग रहा है आप ये कर सकते हो, और कलर को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहो आप, कहते हो यार थोड़ा सा इसको और ब्राइट किया जाए
तो अब आपने मास्क के ऊपर ये लगा हुआ है, अब आपने कलर पे जाना है, कलर पे जाके अगर आप समझते हो यार ये लो देख रहे हो उसकी स्किन का टोन चेंज हो रही है जो आप चाह रहे हो। अच्छा ये आप सॉलिड कलर से भी कर सकते हो। एक और ऑप्शन है वो है ह्यू, ह्यू से भी कर सकते हो। चलो ह्यू भी देख लो, डिलीट करता हूं, ये देखो जस्ट सेलेक्ट किया, जो आउट करना है आउट किया, जो इन करना है इसमें से फेस का पार्ट इन किया। इस बार मैं एक और लगा रहा हूं एडजस्टमेंट, इसका नाम है ह्यू, ये ह्यू एंड सैचुरेशन, ये ले लो ह्यू एंड सैचुरेशन। जैसे ही आप करोगे तो ये ह्यू एंड सैचुरेशन का ही एडजस्टमेंट आई, नाम लिखा हुआ है ह्यू सैचुरेशन। आपने अब करना क्या है, आपने इसकी प्रॉपर्टीज में आना है, ये प्रॉपर्टीज है साथ में, इसमें आके थोड़ा सा नीचे जाओ, ये कलराइज का चेकबॉक्स है इसको ऑन कर देना, ये कलराइज है, ये ऑफ है या ऑन है, यहां से भी कर सकते हो। और यहां पे जाके आप जो स्किन का कलर ह्यू में देना है यहां से दे सकते हो, जो आपको पसंद है। ये देखो जिस कलर पे मैं हिट करता हूं वो कलर उसकी स्किन में आ रहा है, जो आप मुनासिब समझो। कार का कलर चेंज करना है, कार का कलर चेंज करना है, किसी के ड्रेस का कलर चेंज करना है, ये सिलेक्ट करके कर दो ह्यू एंड सैचुरेशन से, सॉलिड कलर से इजिली। जो ऊपर आप कलर पे क्लिक करते हो वो कलर उसकी स्किन में आ रहा है या उस सिलेक्शन में आ रहा है, और जो मुनासिब समझते हो उसको आपने करने के बाद इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो यार एडजस्टमेंट से रिजल्ट बेहतर आएगा तो कर लो, ये एडजस्टमेंट है। जो मुनासिब समझते हो उसकी टोन के ऊपर सेट करना, वो आप उसकी यहां से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो इसके लिप्स हैं, लिप्स को मैं रेड कलर में सेट करना चाह रहा हूं, मसला कोई सिलेक्ट करो, ये लो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्शन है, जरा साइज इसका छोटा कर लो, ये लो मैंने रफली सिलेक्ट कर रहा हूं, आप जरा और अच्छे तरीके से जो भी मॉडल है उसको आप जहां पे आपको रिक्वायर्ड है वो आप कर लीजिएगा। ये लो जनाब, इसको ये टूल मैंने आज आपको वो भी सिखा दिया, वो पेंट कर दो इसके ऊपर, सिलेक्शन हो जाएगी, ब्रश को पकड़ो पेंट कर दो सिलेक्शन हो जाएगी, या ये कर लो जो मैंने किया है। इसके ऊपर मैं अगेन जाता हूं, एक और एडजस्टमेंट, अगेन एडजस्टमेंट, सॉलिड कलर की कर लो या ह्यू एंड सैचुरेशन वाली कर लो, जो आप अच्छी लगती है। सॉलिड कलर लगाते हैं, रेड पकड़ते हैं, जो कलर देना चाहो, ये लो ब्लू लगाते हैं शेड, ब्लू पे क्लिक कर दो, ब्लू शेड आ गए, और अब ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये मैंने ऊपर वाली ऑफ की है स्किन वाली टोन, ये देखो जो कलर जैसे ज्यादातर ओवरले के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। और कलर आप यहां से बता दो जो देना है, रेड दे दूं, इसको और मजीद रिफाइन किया जा सकता था, और अच्छा किया जा सकता था सिलेक्शन अच्छी करके, ये कट्स आपकी सिलेक्शन चूंकि अच्छी नहीं बनी इसलिए नहीं कर रहा। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, ये लो जो आप मुनासिब समझते हो, चूंकि आपकी दो अलग अलग एडजस्टमेंट मैंने लगाई हैं, दोनों की अलग अलग आपको यहाँ पे नजर आ रही है प्रेजेंस, तो यहां से आप इसको मजीद स्ट्रांग भी कर सकते हो कलर को, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड। ये देखो ये खत्म हो गया, ये कलर की प्रेजेंस नजर आनी शुरू हो गई स्किन में, दो अलग अलग चीजें हैं। इसकी लाइटनेस डार्कनेस भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, जितनी मुनासिब है एडजस्टमेंट, अगेन एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब है आपने अपने उस मॉडल को जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको बड़े अच्छे तरीके से, अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है तो उसके ऊपर अच्छे से ह्यू एंड सैचुरेशन और ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड मैनी मोड से आप ये सारे काम कर सकते हो। अगेन आप एक और एग्जांपल लेते हैं छोटी सी ह्यू एंड सैचुरेशन के हवाले से, ये जी आपके पास एक और मॉडल ऑफ कार, ये कार है, ये कार है, ओपन करते हैं।
अगर आपको कहूं कार का कलर, वेरी इजी वे टू चेंज, एक क्लिक के ऊपर कार। अच्छा, सिलेक्शन जो करते हो ना आप लोग स्टूडेंट्स, सिलेक्शन करने के लिए आपके पास इसके अलावा भी ऑप्शन मौजूद है, मजे की बात है। ये जो मैंने आपको करवाई है ना, ये तो थी, मजीद देखो, सिलेक्ट में आ जाओ, ये भी साथ ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। सिलेक्ट में आ जाओ, सिलेक्ट में ये चार ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, कलर रेंज, फोकस एरिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही चीज है जो आपने थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले सिखाई थी, सिलेक्ट सब्जेक्ट था ना ये वाला, ये बटन, ये कर लो या सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, सिलेक्शन हो जाती है। वो चेक करता है कि करंट फ्रेम के अंदर मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कोई मॉडल है या कोई कार है, कार सिलेक्ट हो गई। जब कार सिलेक्ट हो गई है, इस सिलेक्शन में से अगर आप समझते हो यार विंडो निकाल दी जाए, और के साथ विंडो निकाल दो, और के साथ विंडो निकाल दो, फिर आप समझते हो कि टायर भी निकलना चाहिए, और के साथ टायर भी निकाल दो, और के साथ टायर भी निकाल दो, फिर आप कहते हो इस पर एडजस्टमेंट लगा लेते हैं, कौन सी, ह्यू की, ह्यू सेचुरेशन, ये चेक कीजिएगा। ह्यूमन सेचुरेशन पे जैसे आप क्लिक करते हो, हुआ कुछ नहीं, ये कब तक, जब तक इसकी प्रॉपर्टीज में नहीं जाओगे, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में जाके स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक काम करना है, प्रॉपर्टीज में ये कलराइज वाली चेक को ऑन कर देना है, और ये हैं वो कलर्स जो टॉप पे ह्यू के पड़े हैं, इस वक्त ये कलर इंप्लीमेंट हुआ है। देखो, चाहे कोई मॉडल की शर्ट हो, चाहे कोई कार हो, अगर आप समझते हो सर वो कलर नजर नहीं आ रहा जो यहां पे है, वो इसलिए नहीं है कि सेचुरेशन लो है, हाई कर दो, ब्राइट हो गया ना कलर। मैंने विंडो में से वो ग्लास को इसलिए निकाल दिया था, वरना वहां पे भी शेड नजर आते हैं कलर, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल सैचुरेट, सैचुरेट मतलब कलर माइनस, कौन सा, जो ऊपर ह्यू में ऑन है, ह्यू में ऑन जो कलर है वो बिल्कुल ही निकल गया। अब ह्यू में जो कलर ऑन है वो मिसाल के तौर पर ब्लू कर देता हूं, ये ब्लू कर दिया, इसकी प्रेजेंस नजर आएगी सैचुरेशन से, ये देखो आ रहा कलर, ब्लू 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 ब्लू, ये प्योर हो गया। इसको आपने यहां से एडजस्ट करना होता है, और इसको भी डार्क एंड लो ब्राइट कर सकते, ब्राइट यहां से होता है व्हाइट, एंड दिस इज अ ब्लैक, दिस इज अ व्हाइट, दिस इज अ ब्लैक, इसको ऑलमोस्ट हम सेंटर में रखते हैं, और कलर की वैल्यू को हाई टच देना हो, टोन लो देना हो, बिटवीन देना हो, और कलर हमेशा याद रखना ऊपर से सेट होता है यहां से। और विद दीज दो टू स्लाइडर आपसे कंट्रोल करना है नीचे वाले से, एक है सेचुरेशन का और एक है उसकी ब्राइटनेस और लाइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। कलर की बात हो रही है, जो कलर आपने ह्यू में ऑन किया, इसका मतलब है ये एक अच्छी ऑप्शन है, इससे ये भी काम आपका आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा, आपने स्टूडेंट्स गौर किया होगा, सिलेक्ट में एक ऑप्शन होती है जो सिलेक्शन के लिए बड़ी परफेक्ट ऑप्शन है, और उस ऑप्शन का नाम है, मैं ऑप्शन करवा देता हूं आपको, आसान सी ऑप्शन है, मुश्किल नहीं है, तो मैं जरा लेयर में इस एडजस्टमेंट को खत्म करके दोबारा से एक चीज करवाने लगा। ये देखिएगा, ये कार है आपकी, अगर मैं आपको कहूं कि सिलेक्शन मुझे करनी है, और सिलेक्शन करने के टूल्स आपके पास बेशुमार हैं, ये सारे मैं आपको कहता हूं, ये ग्रीन वॉल को मैंने सिलेक्ट करना है, ये पर्पल वॉल को मैंने सेलेक्ट करना, या विंडो के ये वाले शेड को मैंने सेलेक्ट करना, या पिलर्स के शेड को सेलेक्ट करना, और करके इसका कलर कुछ और करना। चले ये वॉल है, बिग वॉल, दिस वन, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, आसान सा तरीका बताऊं सेलेक्ट करने का, और भी हैं, ये भी है, सेलेक्ट कलर रेंज, बड़ी जबरदस्त ऑप्शन, कलर वाइज आपके सिलेक्शन करने चला जाएगा। ये देखो कलर रेंज, किस कलर को आप ऑन करना चाह रहे हो, इस वक्त कार आपकी सिलेक्टेड है, इसी वजह से ये आपको व्हाइट नजर आ रही, कार सराउंडिंग सारा ब्लैक नजर आ रहा है, आप वॉल को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, आपने जाना है सैंपल कलर, इसमें से आप किसी स्पेसिफिक कलर की तरफ जा सकते हो, ग्रीन, ये ग्रीन एरिया आपका सिलेक्ट हो गया, ये वाला देख रहे हो, इधर भी आ गया, इधर दोबारा क्लिक करो मोर प्रोमिनेंट हो जाएगा, यहां से भी कर सकते हो,
और आप स्पेसिफिक कलर वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हो, और अगर आप सैंपल खुद करना चाह रहे हो ये भी कर सकते हो, सैंपल करते हैं। ये देखना जरा, आप कह रहे हो ग्रीन नहीं ये वाला करना, अगर तो ये नहीं कार वाला कलर सेलेक्ट करना, आपकी ये क्लिक से वो पूरा एरिया आपके कैनवस का सिलेक्ट हो जाता है। देख रहे हो ग्रीन वाला ब्राइट हुआ कि नहीं हुआ, ये ग्रीन वाले पे क्लिक किया, ये पिलर वाला क्योंकि इसके साथ मैचिंग कलर है, और ये इसलिए सिलेक्ट हुआ कि इसकी फ्यूजनेस इज वेरी वेरी हाई, इसको लोग ज्यादा कम कर सकते। देख रहे हो अब कौन सा एरिया सिलेक्ट होगा, जितने जिस एरिया के कलर मैच करेंगे पिक्सल वाइज, ये फ्यूजनेस से आप बड़ा ज्यादा कम कर सकते हो। और मजे की बात है, जब आपने इसको हाई पे पिक किया और क्लिक किया तो ये आपको जो उसका एक्स्ट्रा एरिया वो भी सिलेक्ट हो जाता है। इसको ज्यादा ना करना, इसको ज्यादा ना करना, ऑलमोस्ट मिडल में ठीक है। अब पता क्या एरिया, कौन सा एरिया सिलेक्ट हुआ है, सिर्फ ये वाला पर्पल वाला, दिखाऊं हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो सिलेक्शन एक्टिवेट हो गई। क्या करना है, इस पर एडजस्टमेंट लगा दूं, कोई कलर लगा दूं, सॉलिड कलर लगा दूं, चेक करो। ओवरले कर दूं, सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट डिफरेंस ये वो, नॉर्मल नॉर्मल ये था। आप देख रहे हो कि सिर्फ उस एरिया में फिल हुआ है जो मैच किया है उसके साथ, या उन पिक्सल को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर किया जहां पे उस कलर की पिक्सल की वैल्यू एक्टिवेट है। मिसाल के तौर पे ये ग्रीन है, ग्रीन वाली बॉल को आप चेंज करना चाह रहे हो, एडजस्टमेंट लगा लेते हैं। पहले तो सिलेक्ट करना सीखो, सिलेक्ट करने के लिए आसान तरीके में से एक ये भी है, कलर रेंज सिलेक्टेड कलर और यू वॉन्ट टू सिलेक्ट योर ऑन कलर, ये कौन सा सिलेक्ट हुआ कलर, ग्रीन, ओके करो, सिलेक्ट हो गया। करना क्या है इसके ऊपर, अगर आप इसमें मजीद रिफाइन करना चाहो कर लो, कोई टेंशन नहीं है, इसको खुद कर लेना। अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो कि गड़बड़ है, ये लो ठीक हो गया, सिलेक्शन तो आपके हाथ में है ना, वो तो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि कर लो, नहीं है तो आप खुद उसमें मजीद अच्छा कर सकते हो, करना चाहो शिफ्ट ऐसा कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट गुड हो गई सिलेक्शन, अब आपने इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगा लो, या कुछ भी करना है आप जो करना चाह रहे कर लो, यहां तक कि और कुछ नहीं करना, ब्रश को पकड़ लो और ब्रश के साथ कलर बता दो, रेड कर दो पूरा, ये लो ठीक है, ये लो साइज बड़ा कर लो ब्रश का, जरा जरा मैं जल्दी से पेंट करके दिखा दूं, ये लो यहां पे आप, सॉरी ये किया है, अच्छा बाकी कहीं कुछ डिस्टर्ब हो रहा है सोए वॉल के, ये लो कंट्रोल डी करो, किस तरह रेंज उसकी कलर की वो सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप ब्रश यूज कर लो, आप उस पर एडजस्ट, अब ये देखो ब्रश अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, अब इसको आप पिक्सल को रिस्टोर नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट अगर की होती तो एडजस्टमेंट से आपके हाथ में कंट्रोल है, लेकिन अगर आपने ब्रश के स्ट्रोक लगा दिया या रेज कर दिया फिर तो खत्म हो गया ना, वो तो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, आपने डिस्ट्रक्टिव अप्रोच कभी नहीं यूज करनी। जब कभी इस तरह का काम एक्शन रिक्वायर्ड हो, हमेशा जाना विद दिस ब्लेंडिंग मोड विद दिस एडजस्टमेंट लेयर्स, एडजस्टमेंट लेयर आपको काफी हद तक आपको फैसिलिटेट करता है ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर आप कर लोगे तो आपको इससे काफी आसानी आपको हो जाएगी। अच्छा अब एक और चीज, एक और लैब करते हैं, ये होगी जी एडजस्टमेंट की होगी, मास्क की करवा दी आपको, सिलेक्शन के हवाले से करवा दी, एक आध फिल्टर आपको बताता हूँ, अभी है 15 मिनट, 15 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह, एक आध फिल्टर बताता हूँ, और साथ में अभी एक और ऑप्शन सीख लो। आपके पास एक मॉडल है, क्वेश्चन है आपसे,
इसका पॉस्चर थोड़ा सा, बॉडी पॉस्चर थोड़ा डिस्टर्बिंग है, बेंड हुआ हुआ है, नेक की थोड़ी सी बेंड हुई हुई है। मॉडल दिखाता हूं और आपसे मैं पूछता हूं कि इसको अगर हमने फिक्स करना हो मॉडल के इस पॉस्चर को कैसे किया जाएगा। ये मॉडल है, दिस इज द मॉडल। इस मॉडल के पॉस्चर में मसला है, इसका हेड बहुत डाउन हुआ हुआ है, बॉडी से शोल्डर से डाउन हुआ हुआ है। अगर मैं कहूं इसको ठीक करना है, क्या किया जाए? इसके लिए आपने अब क्या करना है? अब मैं आपको इसके लिए एक ऑप्शन सिखाने लगा हूं। ऑप्शन का नाम है पपेट वॉब। बड़ी काम की ऑप्शन है पपेट वॉब। करता क्या है और कहां इस्तेमाल होता है ये मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाना है। लेकिन उसको परफॉर्म करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ये मॉडल आपका पिक्चर में जो इस वक्त करंटली शो हो रहा है ये पिक्चर में से गायब हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट मैंने इसकी क्रिएट कर दी लाइक दिस। ऊपर वाले मॉडल को मैंने फिल वक्त ऑफ कर दिया। इस वक्त जो लेयर शो हो रही है वो नीचे वाली है, इसको मैंने सिलेक्ट करके मुझे आप मुझे बता सकते हैं इस मॉडल को मैंने गायब करना है पिक्चर से, सिर्फ बैकग्राउंड नजर आए, क्या करें? कोई जेन में आती है बात? सिलेक्ट कर लें, गुड, सॉरी सिलेक्ट कर, आपने कहा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया जी, सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन। या मैं आपको ये कहूं ये इसका हैंड है, ये एल्बो से यहां तक, इसको मैं इसकी आईज के पास लेके जाना चाह रहा हूं, मोबाइल फ्रॉम एल्बो बैंड, ये है ना, मैं चाह रहा हूं ऐसे हो जाए, एल्बो से मोबाइल इतने डिस्टेंस पे यहां आ जाए, पॉसिबल है? कोई ऐसी पिक्चर आपकी हो सकती है आपके पास भी पड़ी हो और आप हो यार पिक्चर अगर थोड़ी सी ऐसे होती ना तो क्या उसमें जबरदस्त किस्म का वो एक आपका कैप्चर क्लिक एक अच्छा बन जाता, पिक्चर अच्छी बन जाती, क्या करें? लिक्विफाई से तो शायद हो जाए कुछ, शायद कुछ हो जाए, लेकिन काफी मुश्किल है। आपने लिक्विफाई कह तो दिया, लिक्विफाई से क्या होती है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, कोई फेस मोटा है छोटा है ये वो बंदा ये कर लेता है। मैं कह रहा हूं पूरा हैंड ही ऊपर उठा के दिला है, या ये ऐसे किया हुआ है, इसको ऐसे करना है कैसे? इसमें आपको पहली चीज ये मैं करूंगा जरूर, लेकिन करूंगा अबव के ऊपर, बिलो में मुझे इस वक्त क्या रिक्वायर्ड है? मॉडल गायब करना है, सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, हमारे एक दोस्त कहते हैं सर कंट्रोल जे करके, वो भी ठीक है, गुड, वो भी हो सकता है, सही है, सही कह रहे हो, तो कंट्रोल जे कर लें, सिलेक्शन तो हो ही गई है ना, तो कंट्रोल जे कर लें, वो भी ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा अच्छा ये बाउंड्री इसकी है, ऑलमोस्ट बाउंड्री भी इसकी पूरी कैप्चर कर लिया मॉडल को। अच्छा एक ऑप्शन जो और आपके पास है और शायद मैंने बताई भी थी, शायद आपके जेन से निकल गई, ऑप्शन का नाम है वो फिल्म ऑप्शन थी, ऑप्शन का नाम है कंटेंट अवेयर, कंटेंट अवेयर, या इसको इस तरह ले लो, एडिट मेन्यू में है कंटेंट अवेयर फिल्म, कंटेंट अवेयर फिल्म, ये भी कर सकते, पता क्या करेगा? इस मॉडल को जो इस वक्त फ्रेम में है सराउंडिंग के पिक्सल उठाएगा और उसको फिल कर देगा, उसके साथ जो स्काई वाला पार्ट है ना उसको पिक करेगा और उसके अंदर पेंट कर देगा, गायब हो जाएगा ये, कंटेंट अवेयर फिल करते हैं, ये देखो, और ये गया, मॉडल बीच में से गया, लेकिन एक मसला आ गया कि ये बाउंड्री नजर आनी शुरू हो गई, बाउंड्री ने सारा खाना खराब कर दिया हमारे एक्शन का। अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं ना, ये बाउंड्री दिख रही है, बंदा गायब तो हुआ लेकिन गायब होते होते निशानी छोड़ गया पीछे, इसका सलूशन क्या था? अंडू करते, अंडू करते, दोबारा से देखो, जब आपने सिलेक्ट किया ना तो सिलेक्ट थोड़ा सा ज्यादा कर लो,
अगर आपने सिलेक्ट किया ना, बिल्कुल उसकी बाउंड्री बाउंड्री, और बाउंड्री जो के वो भी पिक्सल हैं, वो ब्लैक वहां पे पिक्सल रह गए बाउंड्री के। इसका तरीका ये होता है कि जब आप सिलेक्शन करते हो तो सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो, ये देखो, वरना बाउंड्री वाले पिक्सल रह जाएंगे। इसका सोल्यूशन पता क्या है, ये देखो, सिलेक्ट में जाओ, मॉडिफाई करो और इसको एक्सपेंड कर लो, सिलेक्शन को एक्सपेंड कर लो। कितने पिक्सल? 2-3 पिक्सल, 4 पिक्सल एक्स्ट्रा ले लो जगह बाहर की तरफ। ये देखो कितने, 1 पिक्सल नहीं, 2, चलो 4, 5 कर लेते। ओके, चेक करना जरा इधर बाउंड्री पे, बाहर की तरफ आ गया। अब क्या, अब कोई निशानी तो नहीं रह जाएगी ना, क्या ख्याल है? अगेन कंटेंट अवेयर, ये लो जनाब, और प्रोसेस कर रहा है और वो गायब हो गया, और यहां से भी गायब हो गया। कंट्रोल डी करो, रीसेलेक्ट, और ये टोटली फ्रेम में से बंदा ही निकल गया है। अब आ जाओ किस पे, एक्चुअल जो मॉडल है ऊपर, उसको भी तो ठीक करना है, उसको कैसे करें? अच्छा, इसको पहले तो ऑन करते हैं, जो अबव वाला, नीचे वाले पे जो करना था कर दिया, नीचे वाले पे जो करना था मैंने कर दिया, अबव वाले पे आके। अच्छा, अबव वाले पे आके जिस तरह आपके दोस्त ने कहा कि सर मॉडल को बीच में से निकाल लो, मॉडल को बीच में से निकाल लो और इसका बॉडी पोस्चर फिर फिक्स कर दो यूजिंग पपिट वॉप, इस पे ना करना, इस फ्रेम में, इस कैनवस में स्काई वाला हिस्सा भी है, तो हम पहले तो मॉडल को जरा बीच में से निकालते हैं, है? सिर्फ मॉडल रह जाए और मॉडल को फिर हम उसके पॉस्चर को ठीक कर लेंगे, वरना अगर स्काई भी साथ ही होगा तो जब उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, स्काई के भी साथ में मूवमेंट होगी, वो सही नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इस मॉडल वाले इमेज को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं अगेन सिलेक्ट, वही वैसे कर लो जैसे करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट से कर लो। चलो और इसमें से मॉडल को कंट्रोल जे कर दो, क्या कर दो? कंट्रोल जे, वो मॉडल आपका आ गया। नीचे वाले को ऑफ करता हूं, ठीक है, इनको भी ऑफ करता हूं, इनको भी ऑफ करता हूं। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, मॉडल रह गया, मॉडल निकाल लिया ना आपने बीच में कंट्रोल जे करके। अब इसके ऊपर मैं आपको ऑप्शन जो सिखाने लगा हूं, उस ऑप्शन का नाम है पपेट वॉप। ये पपेट वॉप की ऑप्शन कोरल में भी है, इलस्ट्रेटर में भी शायद है, इधर भी है, करेगा क्या ये देखो, आप पूरी स्क्रीन पे मैश दिखा देगा, ऐसे क्या दिखा देगा स्टूडेंट्स, मैश। इस मैश को अगर आप करंटली जो आप देख रहे हो, इस मैश को अगर आप चाहो तो क्या करना है आप लोगों ने, पपेट वॉप दोबारा से देखो, एडिट पपेट वॉप। अच्छा, ये जब आपका पपेट वॉप की ऑप्शन आपने दिखा दी, ऑन कर दी, तो अब आपने इसके ऊपर पिन करना है, क्या पिन, ये पिन होता है, पिन मैं दोबारा से डिलीट कर दूं, दोबारा आपके साथ लगाता हूं, डिलीट पिन, ये देखिएगा, आपको मैंने बोला था ना एल्बो से इस मोबाइल को फेस के पास लेके आना है, ला सकते हैं, कैसे जी, जो एल्बो है ना, एल्बो के ऊपर एक पिन लगा दो, ये लगा दिया पिन, एल्बो पे मैंने पिन लगा दी। अब ये देख रहा मैं क्या करने लगा हूं, और पिन यहां लगा दी, ये देख रहे हो मूवर है। अब जो चीजें मूव हो रही हैं उनको भी पिन कर दो, क्या क्या मूव हो रहा है, हेड भी मूव हो रहा है, शोल्डर भी मूव हो रहा है, उसकी बैक भी मूव हो रही है, जो जो आप समझते हो कि मूव नहीं होना चाहिए वहां पिन लगा दो, एक ये थोड़ी पे भी लगा दो, हेड के बैक साइड पे भी लगा दो, शोल्डर के इधर भी लगा दो और बॉटम पे इधर भी लगा दो, ये पिन लगा दो। इस तरह दीवार के ऊपर पिन नहीं लगा रहे थे ताकि वो उसके साथ होल्ड हो जाए,
और किसी एक जगह से पकड़ के उसको घुमाओगे तो वो पिनों पे वो उस हिसाब से वो मूवमेंट, ये देखो जिस पिन को आपने एक्टिव करना है उस पर जाकर क्लिक कर दो, ये एक्टिव हो गई। और ये देखो मूवमेंट, और जहां जहां हमें पिन लगाई हुई है वो पिन इसीलिए लगाई थी कि बॉडी के वो पार्ट्स मूव ना हो जो कि पहले हो रहे थे ना। ये देखो अंडू कर देता हूं। इसका मतलब है जिस जगह पे आप पिन, मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो थोड़ी सी थोड़ा सा सर ऊपर की तरफ चला जाए, इस पिन को जरा निकालते हैं डिलीट, इस पिन को भी निकालते हैं डिलीट, अब इस पिन को क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया, पीछे करता हूं, ज्यादा ना कर देना। ठीक है, ये आपने पिन को पकड़ा और उसको अपनी मर्जी से जहां पे सेट करना है कर सकते हो, हेड डाउन, हेड अप, बैक, ये जिस पिन को एक्टिवेट करोगे वो अवेलेबल है आपके पास, जिस पिन को एक्टिवेट करोगे वो अवेलेबल है आपके पास। इस पिन को आप खत्म कर दो, डिलीट, राइट क्लिक, पिन को पहले क्लिक करो फिर राइट क्लिक डिलीट कर दो। अब ये देखो इस पिन पे आता हूं। अच्छा पिन पे जब आप क्लिक करते हो, इस वक्त मैंने बॉटम पिन को क्लिक किया है, ठीक है, पिन को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद स्टूडेंट से किसमें और चीज ऑल्ट, ऑल्ट ऑल्ट को जरा सुनो, ऑल्ट का भी क्या स्टोरी है। आप हेड को फिक्स करना चाह रहे हो, हेड को पिन कर दो, ये अब जरा शोल्डर वाली पिन को एक्टिवेट करता हूं। एक्टिवेट कैसे होती है, क्लिक करने से एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद आपने इस शोल्डर को ऐसे बैंड करवाना है, तो आपने उसको पिन करने के बाद ऑल्ट प्रेस करना है, क्या पिन पे आके क्या प्रेस करना है, ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस करते ही आपको हैंडल नजर आएंगे, ये वाले ये राउंड से हैंडल नजर आएंगे, ऑल्ट प्रेस करने से आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रोटेशन ऐसे आपके पास हैंडल आएगा, इससे आप पकड़ के देख रहे हो वहां से बेंडिंग हो रही है, और ये हैंड क्यों मोबाइल के साथ ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो पिन नहीं हुआ होगा, अगर पिन कर दोगे तो ये नहीं होगा। क्या आपको पिन बनाना, डिलीट करना, फिक्स करने से क्या होता है, फिर ऑल्ट के साथ क्या कर सकते हैं, समझ आइए। इसका मतलब है आप अगर पिन इधर लगा दो, इसके नेक के पीछे इधर पिन लगा दो, और बाकी पिन्स को मैं वक्ती तौर पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, मैं इसके हेड को कंट्रोल करना चाह रहा हूं, पिन ऐड करना डिलीट करना मसला ही कोई नहीं। अब इसके हेड को पकड़ लेता हूं, शोल्डर को, ये पिन एक्टिवेट की, ऑल्ट प्रेस किया, और ये देख रोटेट कर रहा हूं, समझ रहे हो। और अगर आप इन सब को डिलीट करना चाहो कर दो, जब आपका अगर आप समय तो अंडू कर देता हूं, ये पिन आपने रखनी है, ठीक है, इसको डिलीट कर दूं, ये लो ये भी डिलीट कर दूं, ये लो ये पड़ी हुई एक पेन डिलीट कर दूं, ये लो, ठीक है। इसका मतलब है अगर सिर्फ एक ही पिन हो तो ये मूव करने के लिए होती है, एक ही पिन अगर हो, और अगर आप इस पिन के हैंडल्स को एक्टिवेट करना चाहो ऑल्ट के साथ करना, ये ना असल में रोटेट करेगा पूरे का पूरा। इसका मतलब आप इसको जहां पे रखना चाहो फ्रेम में आगे पीछे किया जा सकता है, और अगर आप इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना चाहो, रोटेट करना चाहो, आप इसके बॉडी के उन पार्ट्स को फिक्स कर दो जिनको आप मूव नहीं करना चाह रहे, उनको आप फिक्स कर दो लाइक दिस,
ओहो, इधर एक कोई पिन लगी हुई है लग रहा है, एक सेकेंड। कैंसिल कर देते। ये लो, आप लोगों ने सबसे पहले उस फ्रेम को सिलेक्ट करना है, फिर आपने एडिट मेन्यू में जाना है और पपेट आपको एक्टिवेट करना है, और जहां जहां आप इसको पिन लगाना चाह रहे हो वहां पे पिन लगा लीजिएगा। शोल्डर पे लगानी है, और अगर आप यहाँ सेंटर में लगा दी ना, ये देखो, अब एक पिन होगी तो वो फिर मूव करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने इसको फर्दर कंट्रोल करना है, पिंस करना हो, ये लगा दी। एक आपने पिन मोबाइल को भी फिक्स कर देते हैं, ये बॉटम पे, ये जो शर्ट है बैक और इसकी शर्ट का फ्रंट, इसको पिन कर देते हैं। और अब मैं इसके शोल्डर पे जाता हूँ, यहाँ पे पिन करके एक्टिवेट करके ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा सा बॉडी पॉस्चर के साथ ठीक कर देते हैं। और जब ये कर लिया है तो आप अब इसको आप शेप भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये लो, ठीक है, इस सेट कर सकते हो। और करने के बाद आपने इसको क्लिक कर देना है, और ये आपने जो है उसकी बॉडी पॉस्चर को ठीक कर लिया है। अब आप इसको विजिबल कर लो विद दिस ऑप्शन। ये देखो, अब आपका फ्रेम में वो भी नजर आ रहा है, वो भी नजर आ रहा है। इस वजह से इसको आपने अब दोनों दोनों तो नहीं ना दिखाने, ये आपका ओके हो गया है, ठीक है। इस तरह आपका एक मॉडल जिसका पॉस्चर गलत था, बॉडी पॉस्चर, वो ठीक हो गया, तो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप अगर इसको थोड़ा सा जो है, मैंने मैंने वो उस फ्रेम में से इसको इसलिए गायब किया था कि दूसरा मुझे नहीं दिखाना था। और डबल डबल थोड़ी शेड दिखाना है कि वो पुराना वाला भी तंत्र आए वर्जन और नया वर्जन भी आए, तो ये एक वे है जिसके थ्रू ये काम कर सकते हो। और जाने से आखिरी 2 मिनट में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि एनिमेशन क्या होती है। एनिमेशन का मतलब क्या होता है? एनिमेशन का मतलब ये होता है कि एक आपके पास कोई इमेज है, उसके डिफरेंट क्लिक्स हैं, और उन क्लिक्स को अगर जोड़ना चाहो आपस में और उनको एक फ्लो के साथ रन करना चाहो तो एनिमेट किया जा सकता है। एनिमेट करने के लिए मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल इसकी इस तरह लूंगा, और बल्कि आपको करके दिखा देता हूं कि जैसे कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ पिक्चर्स पड़ी हुई, इमेजेस पड़े हुए। इसकी लैब के लिए आमतौर पे जो मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाना चाह रहा हूं, और इसके साथ ही हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा, वो है एनिमेशन। एनिमेशन इसके अंदर किस तरह आप बनाते हो और प्ले करते हो। बस ये लास्ट हमारे 2 मिनट्स इसमें, ये मैं आपको ख़त्म कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी मंगल वाले दिन। तो ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों ने ना लैपटॉप जिसको रिक्वायर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है वो ले आइएगा, सॉफ्टवेयर लेना है वो ले लीजिएगा, गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना है वहाँ से कर लीजिएगा, जैसे आप पसंद करो। जैसे ये इमेजेस पड़ेंगे, ठीक है, इन इमेजेस को मैं फोटोशॉप में, यहां पे एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में इन इमेजेस को डिफरेंट उसकी जो पिक्चर्स हैं डिफरेंट एंगल से कैप्चर की गई है। एक लेडी है अम्ब्रेला के साथ, दो तीन चार पांच छ, इसको बल्कि इस बिग फ्रेम की बजाय हम न्यू फाइल में करते हैं, इसने मुझे एडजस्ट करना पड़ जाएगा इसको। चलें कोई बात नहीं, इसको इस तरह ले लेते हैं। इसकी दो एग्जाम्पल मैं करवा लेता हूँ, एक सिंपल एक इसके साथ।
ये आपके पास जनाब कुछ इमेजेस पड़े हुए, और इन इमेजेस को आप एक फ्लो के साथ रन करके दिखाना चाह रहे हो, ठीक है? तो और जब कभी आपके स्टिल ऑब्जेक्ट्स हैं उसे रनिंग स्टेट में लाना हो तो उसको बोलते हैं, मूविंग स्टेट में लाना हो तो उसे बोलते हैं एनिमेट करना, ठीक है? एनिमेट करना, मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, ये 4 इमेजेस हैं, ये 10 हैं, ये 100 हैं, जितने भी हैं, ये मैंने ओपन कर दिए। नहीं, नहीं, अलग अलग हम क्यों रखें, एक ही भी क्यों ना रख दें इसको, बाद में भी तो हमने लेके आना है इसको, ऐसे कर लेते हैं। नहीं जनाब, या आपके पास 4 इमेजेस हैं या 100 हैं, जितने भी हैं, या आपको चारों के चारों यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और स्टैकिंग ऑर्डर में पड़े हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है? और अगर आप इसको करना चाहो एनिमेट करना चाहो, अब एनिमेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, एक इसमें आपके पास ऑप्शन होती है एनिमेट की, पैनल होता है टाइमलाइन का, सॉरी टाइमलाइन का पैनल ऑन कर लेना। टाइमलाइन का पैनल जैसे ही ऑन करोगे ये आपको यहाँ पे बटन में नजर आएगा, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन और क्रिएट एनिमेट फ्रेम, एनिमेट क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, ये आपने क्लिक कर देना है। और अब आपने क्या करना है, इसमें से जो आपका ऑब्जेक्ट है फ्रंट वाला, इसको आपने क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक करते ही ये कैप्चर कर लेगा पहले फ्रेम को, रिमेनिंग फ्रेम को भी इसी तरह, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 100वें को आप लेके आ सकते हो। लेकिन इजी वे इज दैट कि आप ये काम इस तरह करो कि यहाँ पे ये छोटा सा आइकन नजर आएगा, ये जो आपका क्रिएट टाइमलाइन है ना, जो आपका पैनल, इसके कॉर्नर पे यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे मेक लिखा हुआ है फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स, ये क्लिक कर देना। बजाय आप खुद से ड्रैग करो एक एक फ्रेम को, 4 हैं, ये 400 हैं, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपने फर्स्ट क्रिएट करने के बाद बटन पे क्लिक करने के बाद रिमेनिंग्स को आपको मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे सारे। और इसमें इत्तेफाक से वो ब्लैंक वाला भी फ्रेम आ गया है तो इसको हम निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको हम निकाल देते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसको रन करना चाहो ये एनिमेशन को, ये यहां से प्ले कर सकते, प्ले हो रही है एनिमेशन, आपके डिफरेंट जो फ्रेम्स कैप्चर किए हुए इनको बहुत फास्टली प्ले कर रहा है, ठीक है? आप लोगों ने इसके ऊपर टाइमर लगा सकते हो, टाइमर किस तरह लगता है, इसको स्टॉप करते हैं, ये इसके बटन्स लगे हुए नीचे बॉटम पे, ये बटन्स हैं, ठीक है? प्ले का बटन भी है इसमें, टाइमर का बटन भी है, और ये आपका फॉर एवर चल रहा है, फॉर एवर 3 टाइम भी चला सकते हो, सिर्फ एक दफा चलाओ बंद कर दो, 3 दफा चलाओ बंद कर दो, अभी फॉर एवर चूंकि लगा हुआ है इसलिए वो चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। अब आपने क्या करना है, इन सब इमेजेस को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इनमें से एक के ऊपर चले जाओ, 0 सेकंड लिखा हुआ है, क्लिक करके इसको कर दो 0.2 सेकंड या 0.5 सेकंड, अब आपके चारों के चारों फ्रेम 0.2 सेकंड तक चलेगा, हर हर फ्रेम 0.5 सेकंड विजिबल, देन नेक्स्ट 0.5 सेकंड, देन नेक्स्ट 0.5 सेकंड, देन नेक्स्ट पॉइंट, टाइमर से ये थोड़ा स्लो हो जाएगा वरना वो बहुत तेजी से आपका मूव हो रहा था। प्ले, इस तरह आप इन फ्रेम्स को कनेक्ट करोगे, टाइमर लगा के प्ले करोगे, और इसको फाइनल टच आपने कैसे देना है, इसको यहां पे जाके फाइल में जाके इसको आपने स्क्रिप्ट कर देना है, और स्क्रिप्ट की ऑप्शन है यहां पे, सॉरी ऑटोमेट, और ऑटोमेट में आपने यहाँ पे सेंस है, मर्ज है, क्रिएट है, पैच है, और लोड फाइल्स इनटू स्टैक। अच्छा, ये जो मैंने अभी इमेजेस लोड किए ना, इमेज लोड करने का एक और तरीका भी है,
उसको भी मैं साथ ही करवा दूं, फिर मैं आपको इसकी वो फाइल बना के देगा। इसे बोलते हैं जिफ फाइल बनाना। एनिमेशन फाइल हमेशा किस फॉर्मेट में होती है? जिफ में होती है, पीएनजी नहीं होती, जेपीजी नहीं होती, वो जिफ फाइल बनती है। दोबारा से देखो, एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, और नई डॉक्यूमेंट में ओपन करने के बाद ये टाइम लाइन वाला फ्रेम मैंने ऑन किया हुआ है, कुछ नहीं अभी खाली है, ठीक है। ये देखो, इसको चाहे बंद करना बंद करो, ऑन रखना है ऑन रखो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़नी है। अभी फाइल में गए, और फाइल में आपने उन इमेजेस को लाने का एक और तरीका होता है, वो ये कि स्क्रिप्ट में जाओ और लोड फाइल्स इंटू स्टैक कर दो। लोड एक तरीका तो ये ना, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया है। एक तरीका ये भी है उन इमेजेस को लेके आने का, पहले लेके आओ फिर उसके ऊपर एनिमेट में उसको ऐड करो। लोड फाइल्स इनटू स्टैक, फाइल्स किधर पड़ी हुई, ब्राउज कर लो। मेरी फाइल्स पड़ी हुई है जनाब, ये लेनी है, ये लो, कुछ भी हो सकता है, कोई फोल्डर हो सकता है। तो मैं अभी आज की लैब के लिए मैं जाता हूं ये फोटोशॉप के फोल्डर में, मैंने जो इमेज वो अम्ब्रेला वाले दिखा रहा था वो मैं कैप्चर करने लगा हूँ। ये यहां से लेके यहां तक सबको ओके कर दो। ये लो जी जनाब, ये स्टैकिंग ऑर्डर में आ गए थे, 7 इमेज 10 इमेज 100 इमेज जो भी होंगे वो आ गए, ठीक है। ये आने के बाद आपने इसको ओके कर देना, और ये ओके करते ये लोड होना शुरू हो जाएंगे आपके करंट इस लेयर्स के पैनल में, जो कि आपने फर्स्ट मेथड यूज किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था मैन्युअली। अब ये थ्रू प्रॉपर चैनल मेन्यू के साथ लोड करवाए, ठीक है। जब ये लोड हो गए हैं, अगला एक्शन मैंने आपको ये बोला था कि आपने जो अपर लेयर के ऊपर, अबव लेयर के ऊपर जो भी इमेज है उसको क्लिक करो और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक कर दो। फर्स्ट वाला लोड हो जाएगा, रिमेनिंग की परवाह नहीं करनी, ये पैनल है, यहां से आप मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स। ये हो गए, तमाम लोड हो गए, प्ले कर दो। ये असल में है क्या, थोड़ी सी एडजस्टमेंट होने वाली है ये साइजेस का, आप थोड़ा सा किसी का छोटा किसी का बड़ा इसको साइज सेट कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। जहां तक इसको कंट्रोल करना है स्पीड को, और किसी एक को कम देना टाइम, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को ज्यादा कर सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो। मैंने सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके 0.2, 0.5 जितना मुनासिब समझो वो कर देना। अब प्ले करो, अब थोड़ा सा डिले होगा, इसका मतलब है जो भी आपके पास कलेक्शन है इमेजेस की, अगर आप चाहो उसको एनिमेट करना चाहो, असल में होता क्या है कि आपके डिफरेंट पोज बने हुए पिक्चर्स होती हैं, उनको अगर आप चाहो एक फ्लो के साथ, अगर मैं यहाँ से उठ के ऊपर वाले फ्लोर पे जाता हूँ और मेरे क्लिक्स हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं, उन सब क्लिक्स को मैं अगर जोड़ना चाहूँगा वैसे लगे जैसे मूवी चल रही है, हालांकि है क्या वो अलग अलग फ्रेम्स हैं, और उनको टाइमर जरा कम लगा देना, ऐसे लगेगा जैसे मैं यहाँ से बाग के ऊपर जा रहा हूँ, बात हो रही है। हाँ यही होती है, ये फ्रेम्स आपके पर सेकेंड होते हैं, कितने आप जोड़ दोगे वो आपको ऐसे लगे जैसे कोई मूवी क्लिक चल रहा है, हालांकि वो आपके कैप्चर किए हुए क्लिक्स होंगे जिनको आप जोड़ के इस तरह इसको सेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इसको अब आखिरी काम जो आपने करना है, आपने इसको फिर सेव भी करना है। जिप फाइल कैसे बनती है, फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट कर देना है, और एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज में जाना है, एक्सपोर्ट एज में जाके आपने इसको ना तो बनाना है PNG, ना बनाना JPG, आपने बनाना है इसको जिप। क्या बनाना है, जिप फाइल बनाना है, ठीक है, जिप फाइल बना के इसको ओके कर, और अपनी फोल्डर की लोकेशन बता जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते, बस इतनी सी बात, ठीक है। और ये आपकी फाइल इस नाम से, जो भी नाम आप यहाँ पे दोगे, लेडी विद अम्ब्रेला .jif, बस ये इतनी सी बात है। और ये आपकी फाइल को ओपन करोगे ना, मैं आपको सेंड करूँ, आप ओपन करोगे, इसी तरह प्ले होगी जैसे ये होगी। JPG नहीं है वो, PNG भी नहीं है, आपने बनाया है जिप फाइल, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो ले जी, आज इसके साथ ही हमारा आज का सेशन क्लोज हो गया, ठीक है। फिर भी कोई कमी पेशी रह गई होगी तो वो देख लेंगे, वो मेरी इसी तरह वीडियोस आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो वैसे भी मटेरियल कंटेंट इतना कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको और भी डिफरेंट ट्रेनर्स के अंडर होती भी, परफॉर्म होती भी दिखाई देंगी।
तो आज के सेशन में आपने जो जो चीज़ें सीखी हैं उसको भी अपनी उसमें स्किल्स में एडिशन कर लेना, और इंशाल्लाह इससे आपको नियर फ्यूचर में एज ए फोटोशॉप जो है सॉफ्टवेयर यूज़र आपको काफ़ी हद तक हेल्प होने लगेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं जो स्किल्स सीखी हैं इनको मज़ीद पॉलिश कैसे करना और मज़ीद निखारना कैसे, और ये इसकी कोई लिमिट बाउंड्री नहीं होती सीखने सिखाने की, ये चलती रहती है, हर डे कोई ना कोई चीज़ सीख रहे होते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह होप करते हैं कि ये सेशन आपका अच्छा हो गया होगा, और मज़ीद कोई कमी पेशी है तो वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी टाइम के साथ साथ। तो ये जी आज का हमारा सेशन क्लोज़ हो गया। मिस्टर